गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड आफ्टरनून सभी लोगों को नमस्कार पहली बार मिल रहे हैं इसलिए गुड मॉर्निंग बाकी सब लोगों को नमस्कार गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू आर एस सर यूट्यूब चैनल शुरू करेंगे हम लोग आज का सेशन वॉइस आ रही है ना मेरी एक बार कंफर्म कर दीजिएगा सभी लोग नमस्कार 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 जय हिंद जय भारत नमस्कार सभी लोगों को और आज हम लोग जो बात करेंगे यहाँ पे पूर्ण आहुति का फर्स्ट सेशन है आज और जैसे कि मैंने आप लोगों को को बताया था इसमें कुछ टॉपिक हम लोग कवर करेंगे उन टॉपिक को टारगेट करते हुए पे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज का सेशन जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम है दिक्कतें हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं बनने की संभावना है हर चीज को मैं आपको यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा एरर फाइंडिंग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों तरह के क्वेश्चन लेके आया हूँ तो नमस्कार सभी लोगों को शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन जितने लोग भी जुड़ गए हैं सभी लोग यहां पर वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दो सभी लोग मिलके हैं। फिर हम लोग सेशन को शुरू करते हैं एग्जाम में दस आ रहे ना इंग्लिश में दस आ रहे ना कोई बात नहीं है ये सेशन ज्वाइन कर लो आपके दस के पंद्रह हो जाएंगे लेकिन स्ट्रैटेजी वही है कि भाई प्रैक्टिस करते रहे ना साथ में ठीक है नहीं है हाँ चलो बात कर रहे हैं हम लोग इसकी है ना महायज्ञ सेकेंड आपका चौदह तारीख को होगा सुबह सात बजे से होगा जिसमें आपका फिजिक्स उसके बाद में फिर मैथ्स उसके बाद में इंग्लिश करंट अफेयर कंप्यूटर जीके जीकेजीएस रीजनिंग मैथ्स टेक्निकल दस बजे रात को होगा आखिरी तो उसके बाद में हम लोग बात करेंगे ये आपका अगला जो महायज्ञ है साथ ही साथ आपका बारह तारीख से यहाँ पे बारह तेरह पंद्रह को आपका लाइव टेस्ट भी होने वाला है लाइव ऑल इंडिया लाइव टेस्ट होने वाला है तो इसमें आपको और मालूम चल जाएगा कि हमारे सेशन में जो लाइव टेस्ट होगा उसमें हमारे नंबर कितने आ रहे हैं तो टेंशन मत लो ये तब तक बारह तारीख मतलब कल है ये टाइमिंग शाम को है किसका है देखो साढ़े दस बजे है अदर देन मतलब बात करें वाई ग्रुप वालों का और जो एक्स ग्रुप वालों का उनका आठ तारीख को है है गाइस ना चलिए बात करेंगे सेकेंड जो पूर्ण आहुति होगी उसके लिए टॉपिक क्या क्या है नाउन प्रोनाउन आर्टिकल एडवर्ब्स नरेशन वॉइस ऑफ पी क्यू आर एस इसमें पी क्यू आर एस तो आज मैंने ले लिए हैं इसमें पैसेज है पी क्यू आर एस के साथ में इसमें पैसेज भी लेके आऊंगा है ना यहां पे पैसेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे क्योंकि आज पी ज्यादा हो गए हमारे बट कोई बात नहीं है ये टॉपिक कल के लिए रहेंगे तो इसको याद कर लीजिएगा रिविजन कर लीजिएगा अच्छे से और पी सुबह मॉर्निंग में रिवीजन कराना शुरू कर दिया प्रैक्टिस कराना शुरू कर दिया है वो कैब का तो सुबह मॉर्निंग वाला सेशन भी देखना ना भूलें सभी लोग और जल्दी से आ जाओ सभी लोग फ्रामो सेशन को शुरू करते हैं बात करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है

खुद ही अपने आप में प्लूरल है इसकी जगह क्या हो जाएगा आई एम हैविंग की जगह हैव हो जाएगा क्यों क्योंकि रीजन यह है हैव का यूज जब हम लोग पजिशन और रिलेशन बताने के लिए करते हैं बेटा ध्यान से सुनना हैव का यूज पजिशन और रिलेशन बताने के लिए करते हैं उस कंडीशन में इसका यूज कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं किया जाता तो यह क्या बोलना चाह रहा है इसका मतलब यह बोलना चाह रहा है कि मेरे पास तीन बच्चे हैं मेरे तीन बच्चे हैं है ना? लेकिन हैव का यूज खाने पीने लेने के सेंस में करेंगे खाने के सेंस में पीने के सेंस में या लेने के सेंस में करेंगे उस कंडीशन में हम इसका यूज किसी भी टेंस में कर सकते हैं किसी भी टेंस में इसका यूज हम लोग कर सकते हैं जैसे कि हम लोग मजे कर रहे हैं तो वी आर हैविंग फन हैविंग फन का मतलब मजे करने टेक के सेंस में हमारा यूज होगा तो वहां पर आई एन जी फॉर्म इसका यूज हो जाएगा कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज हो जाएगा क्लियर है ना कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होगा वेरी गुड एक बच्चा बोला सर के, दो, दो, के, तो के लिए मना कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस में नहीं जाएगा तो कॉन्टिन्यूअस टेंस इंडेफिनेट में चेंज होगा तो आई एनजी के साथ साथ इज एम आर भी हटेगा बेटा ये भी ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है वेन एट लास्ट जब आखिर में गॉट टू दिएटर हम थिएटर पहुंचे देखो जब एट लास्ट जब आखिर में हम थिएटर पहुंचे गॉड कौन सा फॉर्म हो गया बेटा सेकेंड फॉर्म हो गया तुरंत दिमाग में, में बजाना चाहिए कि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पे पास्ट मतलब सेकेंड फॉर्म हो जाएगा टू द थिएटर हम थिएटर पहुंचे एट लास्ट वी गॉट टू द थिएटर जब हम लोग थिएटर पहुंचे आखिर में द मच पब्लिसाइज प्रोग्राम देखो बेटा एक और ध्यान रखो प्रोग्राम नाउन हो गया नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कौन आ गया एडजेक्टिव एडजेक्टिव हो गया बाय द बॉलीवुड बिगन अच्छा ये बताओ वाज वर के साथ में थर्ड फॉर्म कब आता है कमेंट करके सब लोग मुझे बता दो जितने लोग भी जुड़े हुए हैं ना सभी लोग मिलकर मुझे कमेंट करके बता दो कि वॉज वर्ग के साथ में थर्ड फॉर्म कब आता है पैसिब में आता है आता है कि नहीं आता है लेकिन यहां पे तो जो प्रोग्राम था वो खुद ही शुरू हो गया भैया हा शुरू हो चुका था तो शुरू हो चुका था तो इसमें जो आएगा वो आपका हेड आएगा क्योंकि देखो दो चीजें आपको ध्यान रखना है जब तक मैं पहुंचा जब तक हम थिएटर पहुंचे यह प्रोग्राम शुरू हो चुका था इसका मतलब जब दो काम पास्ट में होते हैं तो उसमें सबसे पहले ज्ञान कौन सा हुआ बिगेन हो गया पहले ही शुरू हो चुका उसके बाद में मैं पहुंचा तो यह पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो जब दो काम पास्ट के एक्शंस को जोड़ा जाता है तो पहले होने वाले काम को पास्ट परफेक्ट में और बाद में, होने वाले काम को, में हम जोड़ते हैं। बताओ चलो 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 जल्दी शुरू हो जाओ जल्दी शुरू हो जाओ इसका आंसर क्या होगा इसमें लिखा हुआ है नालिनी एक व्यक्ति का नाम है नलनी साइड नलनी ने क्या कहा भैया उसने कहा शी वो चेन्नई में रह रही है सिंस 1991, नाइनटी से क्या आंसर हो जाएगा इसका बेटा जल्दी मुझे बताओ क्या आंसर हो जाएगा एक बच्चों हिंदी निकालना नहीं आता कोई बात नहीं है आपको इतना पहचानना आ रहा है ना कि ये सैड हमारा क्या हो गया पास्ट हो गया हमारा सेकेंड फॉर्म हो गया जब ये सेकेंड फॉर्म हो गया तो इसके साथ में आने वाली बातें भी क्या हो जाएंगी सेकेंड फॉर्म में चली जाएंगी मतलब पास्ट में जाएंगी जब ये पास्ट में हो गया तो आगे आने वाली बातें भी किस में जाएंगी पास्ट में जाएंगी तो यहां पे क्या हो जाएगा अच्छा ये पास्ट में चला जाएगा आंसर क्या हो जाएगा को हेड में चेंज कर देंगे अच्छा कौन कौन सी बातें हैं जिनका टेंस चेंज नहीं होता कमेंट करके मुझे बता देना आप लोग कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका टेंस चेंज हम लोग नहीं करते कौन कौन सी बातें हैं जिनका टेंस चेंज नहीं करते मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप लोग कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हम लोग टेंस चेंज नहीं करते फिर मैं भी बताऊंगा वी हैड टू रिटर्न बिकॉज हमें लौटना पड़ा क्योंकि बिकॉज वी रीज द रेलवे स्टेशन हम रेलवे स्टेशन पहुंचे द ट्रेन लेफ्ट हाँ यूनिवर्सल ट्रूथ ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हो कोई भी साइंटिफिक फैक्ट दिया हो कोई भी मैथमेटिकल फैक्ट दिया हो उस कंडीशन में यह तीनों ही सेंटेंस अगर आ गए इनके ऊपर डिपेंड करते हैं इनके बारे में बता रहे हैं वो सेंटेंस प्रेजेंट इनडेफिनेट में बनते हैं कहां बनते हैं प्रेजेंट इन में बनते हैं गाइस कहां बनेंगे प्रेजेंट इन में बनेंगे अब आज इधर देखो इधर लिखा है वी हैड टू रिटर्न बिकॉज अब बहुत सारे बच्चे इसका आंसर ए दे रहे हैं बेटा थोड़ा सोच लो यहां लिखा हैड के साथ में वर्व नहीं पूछ रहा है Had to के बाद में वर्व है तो टू के बाद में वर्व का कौन सा फॉर्म आता है वर्व का फर्स्ट फॉर्म आता है कौन सा फॉर्म आता है फर्स्ट फॉर्म हैड टू क्या होता है मजबूरी को बता रहा है मजबूरी क्या बोला जा रहा है सेंटेंस को समझो वी हैड टू रिटर्न हमें वापस आना पड़ा क्योंकि बिकॉज़ वी द स्टेशन हम रेलवे स्टेशन पहुंचे कब पहुंचे बेटा हम रेलवे स्टेशन पहुंचे जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे तो क्या हुआ था ट्रेन चली गई भैया लौट के क्यों आ गए क्योंकि ट्रेन चली गई जब हम लौट के आना पड़ा क्योंकि जब हम पहुंचे ना ट्रेन जा चुकी थी तो भाई हम पहुंचे लेट और ट्रेन पहले ही निकल गई तो यह वाला काम पहले हुआ है तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा इसमें हमारा द ट्रेन लिखा हुआ है ना द ट्रेन हैड लेफ्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा द ट्रेन हैड लेफ्ट आंसर हो जाएगा यह पहले हुआ ये वाला काम पहले हुआ यह बाद में हुआ तो हमारा क्या बन जाएगा ट्रेन हैड लेफ्ट बन जाएगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दे केम हियर इन द इवनिंग एंड बिगिन मेकिंग फर्दर अरेंजमेंट इसको समझने की कोशिश करना है क्या समझने की कोशिश करना है कि दे केम हियर वो यहां आए थे इन द इवनिंग शाम को आए थे वो यहां शाम को आए थे एंड बिगिन मेकिंग फर्दर अरेजमेंट आंसर बताओ चलो कमोन गाइस कमोन गाइस जल्दी बताओ यहां पे क्या हो जाएगा कमोन कमोन गाइस जल्दी बताओ बहुत ही अच्छा है बहुत ही सिंपल है देखो यहां बात हो दे केम हियर इन द इवनिंग वो यहां शाम को आए थे केम क्या हो गया बेटा वर्ब का सेकेंड हो गया हो गया कि नहीं हो गया हम लोगों ने कंजक्शन में पढ़ा हुआ है ये कंजक्शन से रिलेटेड है ध्यान से से सुनना कंजक्शन रिलेटेड है और आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने तो इसको निपटा दिया निपटा दिया बहुत सारे बच्चों ने तो भाई ये देखो एंड लगा हुआ है दे केम हियर इन दे केम हियर इन द इवनिंग एंड दिगिन अब ये विगेन किस में चला जाएगा ये बिगन में चला जाएगा क्यों चला जाएगा सर क्यों जाएगा क्योंकि बेटा देखो एंड जो है ना वो

क्लास तो भी तो पास्ट में ही ली होगी ना तो तो अटेंडेड हो जाएगा समझ में आया तो तो चीजें आपको ध्यान रखना है रट्टा नहीं मारना है आराम से सोचना है विचार करना है जो हमने पढ़ा हुआ है ना उसको अच्छे से उसमें इंप्लीमेंट करना है जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन चलो आ जाओ बेटा बात कर रहे हैं हम लोग यहां पे देखो आई हैव साइन ओवर द चेक मैंने चेक के ऊपर साइन कर दिया है यू कैन कलेक्ट इट आप इसे कल ले लेना ठीक है मैंने चेक के ऊपर साइन कर दिया है आप इसे कल ले सकते हो आंसर बताओ आंसर बताओ बेटा आंसर बताओ आप लोग इसको निपटा दोगे निपटा दिया कि नहीं निपटाया बताओ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आंसर क्या हो जाएगा ए जब भी हमारा ध्यान से सुनना जब भी हमारा हैज हैव हैड कौन सा ड इनके साथ में मेन वर्ब आता है इनके साथ में मेन वर्ब आता है वो आपका थर्ड फॉर्म होता है मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में होगा थर्ड फॉर्म में होगा कैसे भी फॉर्मेशन में आ सकता है कल भी मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन लेके आया था आज भी लेके आया हूं तो इसमें क्या हो जाएगा साइंड हो जाएगा मैंने साइन कर दिया बेटा मैंने साइन कर दिए चेक पर आप कल ले लेना मेरे से कल ले लेना मेरे से चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है मजेदार मजेदार आज बात करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग देंगे लेट्स सी आपके पास सेकेंड्स है. है ना आपके पास क्या है बेटा फाइव सेकेंड्स है अब बताइए यहां पे हा बात हो रही है यहां पे व्हाई यू कॉपिंग व्हाई यू कॉपिंग योर होमवर्क फ्रॉम समवन एल्स हा फ्रॉम समवन एल्स एक मिनट हा किसी और दूसरे से क्यों कर रहे हो आप अपना होमवर्क किसी और से टीप रहे हो किसी और व्यक्ति से किसी और व्यक्ति से आप अपना होमवर्क किसी और व्यक्ति से टीप रहे हो क्या हो जाएगा इसका आंसर चलिए 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 जल्दी बताइए कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर बी हो जाएगा कुछ बच्चे बोल रहे हैं सी हो जाएगा सर सी हो जाएगा सी हो जाएगा सी हो जाएगा देखो बेटा सिंपल सी बात समझो इस सी में क्या लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इट मींस हमें क्या दिया है इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया है सभी लोग ध्यान से देखो हमें क्या है वो पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन कर रहा है इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया है इसमें क्वेश्चन हो रहा है इसमें पूछ रहा है कि आप उसकी कॉपी से होमवर्क क्यों कर रहे हो भैया उससे कौन टीप रहे हो भैया किसी और से क्यों टीप रहे हो उस व्यक्ति से टीप रहे हो ना उस व्यक्ति से क्यों टीप रहे हो है हाँ, किसी और से क्यों टीप रहे हो क्यों कर रहे हो भैया कॉपी क्यों कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया इंटारोगेटिव सेंटेंस है आंसर हमारा ये हो जाएगा ए इसमें क्या लग जाएगा इसमें आपका आर लग जाएगा लेकिन बहुत सारे बच्चे पता क्या चल रहे है। बहुत सारे बच्चे चल रहे सी हो जाएगा सर सी हो जाएगा सी हो जाएगा, जाएगा। क्यों हो जाएगा सी क्यों हो जाएगा भाई इंटारोगेटिव सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है फिर हमारा सब्जेक्ट आता है हा? फिर हमारा क्या आता है सब्जेक्ट आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना समझ में आ गया कि नहीं आ गया कोई दिक्कत हाँ आपका सही है बहुत बढ़िया बस सही होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई बहुत मजेदार क्वेश्चन लेके आने आया हूं आज प्रपोजिशन में दिक्कतें होती है ना मॉडल वर्ब में दिक्कत होती है बस डटे रहो इस चीज को मैं बता रहा हूं आज के क्वेश्चन जो बताऊंगा उनमें हर चीज बताऊंगा कि किस चीज को कहां लगाना है बस साथ में आप लोग इसके आंसर देते रहो हमारे साथ में चलते रहो

ए में करेक्शन हो जाएगा हैड हैड क्यों हो, हो वही बात दो बातें, की हो ही हो गया ना? हा? एक बार में उसको पहचान लिया पास्ट में उसके पहले भी मैंने कभी नहीं देखा तो पास्ट परफेक्ट होगा ये भी दिमाग लगा लो दूसरा ये लगा लो बात हो रही है पास्ट में पहचानने का तो ये तो और भी पास्ट में जाएगा ना ये भी और भी पास्ट में जाएगा तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा है चलो मैं हिंदी भी बता रहा हूं मैं साथ ही साथ सेंटेंस का हिंदी में बताने की कोशिश कर रहा हूं और जिन लोगों को हिंदी में दिक्कत आती है ना तो आप ये भी नोटिस करो क्वेश्चन का आंसर कैसे आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूं वो तो करना ही है साथ साथ ये भी नोटिस करना है आप लोगों को कि मैं उसका हिंदी किस तरह से निकाल रहा हूं सेंटेंस को टुकड़ों में डिवाइड करके हिंदी निकाल रहा हूं ना तो आप लोग भी टुकड़ों में डिवाइड करके ही सॉल्व करना है इनको ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग बात कर रहे हैं दे कुडी पास देयर एग्जाम इफ दे स्टडी हार्डर बहुत अच्छा क्वेश्चन है अब यहां देखेंगे हम लोग कितने लोग इसका आंसर सही लगाएंगे ये जो सेंटेंस है ना किस टॉपिक से है मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा फिलहाल आप लोग मुझे आंसर बता दो चलो 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 गाई जल्दी जल्दी भाई हा बी पास दिस एग्जाम वो दे कुड़ पास दिस एग्जाम इफ दे स्टडीड हार्डर अगर उन्होंने हार्डर मतलब और मेहनत किया होता तो इस एग्जाम को पास कर लेते क्या हो जाएगा बेटा ये यह देखो यहां बी का कॉन्सेप्ट समझो हमेशा ध्यान रखना बी का कॉन्सेप्ट समझो बी मतलब और बी है बी अपने साथ में वर्ब का आईएनजी फॉर्म लेता है जब बनता है है काम चलने की बात होती है। और अगर मेन वर्ब नहीं होगा तो कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन या क्या लेगा बेटा कोई ना कोई नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव लेता है और तीसरी बात और याद कर लो तीसरी बात कि ये भी अपने साथ में थर्ड फॉर्म लेता है कब लेगा जब हम लोग पैसिव में बात करते हैं पैसिव मतलब कल एक्टिव पैसिव भी कराऊंगा पैसिव मतलब जिसमें इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट को दी जाती है जिसमें इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट सॉरी 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 ऑब्जेक्ट को दी जाती है सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं तो एक्टिव बनता है पैसिव जिसमें इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्ट को दी जाती है तो बेटा यह बताओ दिमाग लगाओ दे पास देयर एग्जाम क्या इसमें बी लगाने का कोई मतलब है बोला जा रहा है कि अगर उन्होंने और मेहनत किया होता तो एग्जाम को पास कर लेते तो क्या इसमें काम चलने की बात हो रही है इसमें काम चलने की बात हो रही है नहीं हो रही है तो आई फॉर्म आएगा नहीं आएगा क्या इसमें पैसिव बन रहा है क्योंकि एग्जाम पास तो ये खुद ही करेंगे ना सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ना तो ये एक्टिव बन रहा है पैसिव नहीं बन रहा तो ये बी की जरूरत नहीं है इसमें गलत कौन है इसमें गलती जो है वो सी की गलती है किसकी गलती है सी की गलती है समझ में आया तीन बातें क्या है कि बी के साथ में वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा जब काम चलने की बात हो रही होगी अदरवाइज बी के साथ में क्या आएगा कोई ना कोई नाउन प्रोनाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा या फिर अगर पैसिव है पैसिव में ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं और ऑब्जेक्ट को अगर इंपॉर्टेंस देंगे तो सब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट को लिखा जाएगा समझ में आया लेकिन यहां तो जो व्यक्ति पास होना चाह रहा है वो ही लिखा है सब्जेक्ट सब्जेक्ट को subject के प्लेस लिखा है तो इसमें तो एक्टिव वॉइस है बेटा क्या है इसमें एक्टिव वॉइस क्लियर है नहीं? उसमें क्या है एक्टिव वॉइस है एक्टिव वॉइस है तो बी भाग जाएगा चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हा? सर येट क्यों नहीं आया एक बच्चा चल रहा है सर येट क्यों नहीं आया बेटा मैंने आपको बताया हुआ है और दो के साथ में आप यट लगा भी सकते हो या नहीं भी लगा सकते हो लेकिन दूसरा कोई कंजक्शन नहीं आएगा बेटा नहीं आएगा ये बताया हुआ है इसको याद करो हाँ चलो आगे बढ़ते बेटा हम लोग सर हार्ड नहीं होगा बिल्कुल नहीं होगा पहली बात तो मैं डिग्री के क्वेश्चन आज लेके आया नहीं हूं दूसरी बात मैं आपको बता दू उसमें क्या बोल रहा है कि आपने थोड़ा और मेहनत किया होता तो पास हो जाते थोड़ा और कंपैरिज़न कर रहा है और कुछ नहीं ठीक है इसका आंसर क्या हो जाएगा ये लिखा हुआ है कम वॉट मे इसको याद कर लेना बेटा ये एक फ्रेज है जिसका हम लोग यूज करते हैं कम वॉट मे चाहे जो हो चाहे जो हो ठीक है चाहे जो वो या चाहे जो हो जाए है ना कम वर्ड में मतलब चाहे जो हो जाए आई शैल अधीर अधीर अब इस अधीर के साथ में हम लोग यूज करते हैं टू का दो शब्द होते हैं याद करना ये होता है अधीर अधीर के साथ में यूज करते हैं टू का और इसमें एक आता है अबाइड याद है कि नहीं अबाइड के साथ में प्रीपोजिशन कौन सा आता है जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो तभी मैं इसके सामने से हटूंगा चलो बताओ हाँ? अवॉइड के साथ में कौन सा प्रपोजिशन आता है इन दोनों का मतलब होता है किसी चीज का पालन करना मैं सामने खड़ा हूं जल्दी बताओ जल्दी बताओ अवॉइड के साथ में मैं हटूंगा ही नहीं सामने से सामने से नहीं हटूंगा मैं हाँ क्या आएगा इसमें चे बात हाँ? बेटा अवॉइड के साथ में बाय आता है बाय होता है और अधेर टू होता है और दोनों का मतलब होता है फॉलो करना अनुपालन करना बोला चाय कुछ हो जाए आई शेल मैं करता रहूंगा अधेर टू माई प्रिंसिपल्स अपने सिद्धांतों का पालन करता रहूंगा चाहे कुछ हो जाए मैं अपने सिद्धांतों को फॉलो करता रहूंगा तो यहां पे यह आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ याद कर लेना ये यो 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 हनी सिंह का साइन भेज रहा है कौन बच्चा है ये है हरकतबाज पढ़ भाई पढ़ ले आ जाओ बेटा यहां लिखा हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग देंगे जल्दी कम ऑन गाइस इन टॉपिक में कुछ टॉपिक दिमाग में बिठा लो गलती की गुंजाइश नहीं है एक्टिव पैसिव वॉइस नरेशन टेंस क्वेश्चन टैग इनमें गलती की गुंजाइश नहीं है आर्टिकल बिल्कुल भी नहीं है और कौन सा है मॉडल वर्ब बोल दूं क्या और मॉडल वर्ब छोड़ दो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर आर एन टाई हो जाएगा बच्चे बोल दो सर आर एन टाई कैसे हो गया ऐसे होता है है ना यहां पे समझो ये पॉजिटिव है क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा और जब क्वेश्चन टैग निगेटिव बनता है ना तो बेटा एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता ही नहीं है एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता ही नहीं है इसलिए एम नॉट के शॉर्ट फॉर्म होता नहीं है तो हम लोग आर एंट लगा देते हैं आर एंट और क्या लगा देंगे यहां लगा देंगे नॉट ठीक है सॉरी आई अच्छा अगर यहां पर यह निगेटिव होता तो क्या बनता निगेटिव होता मान के चलो सेंटेंस लिखा होता इस टाइप से लिखा होता आई एम नॉट लेट अच्छा बताओ इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा चलो चलो जल्दी से बताओ इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा आई एम नॉट लेट का क्वेश्चन टैग ऑप्शन में दे रहा हूं ऑप्शन में दोनों है बताओ क्या बनेगा आर आई बनेगा एम आई बनेगा गाइस कम ऑन क्या बनेगा हा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देखो सिर्फ नेगेटिव में आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म आर एंट लेना है क्वेश्चन टैग अगर पॉजिटिव बन रहा हो ना तो वहां एम सॉरी आर एंट मत लगा देना और नहीं आर लगा देना ये नेगेटिव है ना क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा इसका क्वेश्चन टैग आर आई नहीं बन सकता इसका क्वेश्चन टैग आई एम आई बनेगा तो पॉजिटिव में ध्यान रखना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं उधर आर एंट लगा देते हैं इधर भी आर आई लगा देते हैं ऐसा नहीं होगा सिर्फ नेगेटिव के लिए उधार ले लेना है उसका होता नहीं है ना इसलिए चलो गाइज बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आ जाओ बेटा है द इंग्लिश डैश इंग्लिश 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 आ गई भैया इंग्लिश का मतलब अंग्रेज भी होता है और इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी भी होता है इंग्लिश के तीन मतलब होते हैं तो ये चीजें आपको यहां पे ध्यान रखना है हा? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर बहुत गुस्सा आ रहा है दीवाल में सर मार दो है हाँ जब सर मारोगे ना तो खुद पे हंसी आएगी फिर आपको है चलो बात करते हैं देखो यहां पे क्या आंसर हो जाएगा द इंग्लिश हो गया क्या हो गया बेटा द इंग्लिश द इंग्लिश का मतलब हो गया जितने भी इंग्लिश लोग हैं वो सारे के सारे लोग द इंग्लिश का मतलब हो गया द इंग्लिश पीपल ये एक को रिप्रेजेंट नहीं करता है द इंग्लिश इंग्लिश एक को रिप्रेजेंट नहीं करता है ये प्लूरल होता है जो प्लूरल होता है तो क्या है इसमें आपका स्पीक हो जाएगा अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर spoke क्यों नहीं हुआ? बेटा उनका routine है। जब भी किसी सेंटेंस में रूटीन के बारे में बात हो किसके बारे में बात हो बेटा रूटीन एक्शंस के बारे में बात हो habitual actions के बारे में बात हो रूटीन के बारे में बात हो या डेली रूटीन के बारे में बात हो तो उस कंडीशन में हम कौन सा टेंस लगाते हैं बेटा उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है ना क्योंकि यहां पे बोला जा रहा है अंग्रेज क्या बोलते हैं इंग्लिश बोलते हैं तो ये हो जाएगा हमारे भारतीय क्या बोलते हैं अगर यहां लिखा होता द इंडियंस डैश हिंदी तो यहां पर क्या आता द इंडियन द इंडियंस स्पीक हिंदी क्योंकि उनका डेली का है तो आपको यह ध्यान रखना है ठीक है चलो आगो आगे बढ़ो बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो बाबा बना दो तुम अभी हाँ अभी पंद्रह साल का हूं बाबा बना दो आप मेरे को चलो आगे बढ़ो बेटा हम लोग बात करें द रेन कम्स द रेन कम्स डैश प्रपोजिशन पूछा है इसमें इसमें आपसे पूछा है प्रपोजिशन इन नियर फ्रॉम अंडर इनो नियर फ्रॉम अंडर तो भाई बारिश कहां से आती है बारिश आती है तो ये सीधा-सीधा समझने से बन रहा है इसमें फिक्स्ड प्रीपोजिशन नहीं है सेंस से बन रहा है कि बारिश आती है कहां से तो इन द क्लाउड्स नहीं हो सकता है ना नियर पास से आती है नहीं अंडर नीचे आती है नहीं बारिश बादलों से आती है तो इसका मतलब बारिश बादलों से होती है ठीक है ये क्वेश्चन देखो बेटा ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था आई वेंट देअर इन डैस योर प्रपोजल हा इन डैस प्रपोजल क्या बताया था मैंने आपको अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग के साथ में क्या आता है टू आइज भूल मत जाना ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है ये सेंस से नहीं बनते ये पढ़ पढ़ के बनते हैं अगेन एंड अगेन उनको स्टडी करने से बनते हैं प्रैक्टिस करने से बनते हैं फिक्स्ड प्रपोजिशन नहीं है सॉरी फिक्स्ड प्रीपोजिशन है सेंस से नहीं बनेगा तो इन अकॉर्डेंस क्या हो जाएगा इन अकॉर्डेंस विद होता है अभी मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रीपोजिशन लेके आया हूं आप आगे तो बढ़ो टेंशन का ले रहे हो भाई आ जाओ इसका आंसर बता दो इसी बात पर इसका आंसर बता दो ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा पता है क्योंकि इसमें मेरी बात समझाने के लिए बहुत कुछ है बताऊंगा मैं अभी बात करें प्लीज स्टॉप डेस सो मैनी मिस्टेक्स ये आप लोगों के लिए इसलिए अच्छा लगा बच्चों के लिए ये कि प्लीज प्लीज स्टॉप रोक दो क्या करना बहुत सारी गलतियां करना जो हम लोग कर देते हैं क्योंकि नंबर तो कई बार अच्छे आ जाते हैं है? हमारे बारह तेरह सही हो जाते हैं मालूम चलता तेरह सही सात गलत हो गए माए मार्क में हमारे ग्यारह नंबर आ गए हैं क्या हो गया वन पॉइंट के 1.75 माइनस मार्किंग वही नंबर भाई हमारे दस ही रह गए तो गड़बड़ हो जाता है हमारे साथ में तो ये इस पर ध्यान रखना है गलतियों पे कंट्रोल करना है प्लीज स्टॉप क्या आंसर मिल रहा है इसका ए आंसर मिल रहा है ओहो बहुत बढ़िया बेटा इसका आंसर जो है ना किसकी वो लोगों सुधर जाओ स्टॉप के साथ में वर्ग का आई फॉर्म आता है स्टॉप के साथ में हम लोगों स्टॉप स्टार्ट हो गया स्टॉप स्टार्ट हो गया और भी वर्ब बताई थी मैंने अवॉइड बताया था याद करो हाजॉय बताया था इंजॉय बताया था माइंड बताया था माइंड कांट हेल्प बताया था कांट हेल्प ये पूरा एक साथ में मिलेगा ठीक है तभी लगाना है इनके साथ में हम लोग एंड यूज करते हैं किसका यूज करते हैं वर्ब की आई एनजी फॉर्म का यूज करते हैं एक बात और सुन लो ये लिखा हुआ है। I स्टॉप <coughs> थोड़ा सा मैं आपका टाइम लेना चाहूंगा आई stopped टू स्मोक ठीक है दोनों चीजों में अंतर समझा रहा हूं मैं आप लोगों को ठीक है दोनों चीजों में अंतर समझा रहा हूं आई stopped टू स्मोक और आप लोग मुझे बताना कौन सा सही है आई स्टॉप स्मोकिंग दोनों में से कौन सा सही है ए और बी इनका नाम है ठीक है आई स्टॉप स्मोकिंग ये लिखा हुआ है आपके सामने दो लिखे हुए हैं ये ए है और ये बी है आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा सही है चलो चलो, आई स्टॉप टू स्मोक आई स्टॉप्ड स्मोकिंग दोनों सुन लो सभी लोग दोनों सुन लो सभी लोग हमारे जो एग्जाम में आएगा ना वो आएगा आपका कौन सा वाला जो ये वाला था अब ये वाला इनमें से कौन सा है अभी बताता हूं ठीक है हमारे एग्जाम में कौन सा वाला आएगा सब बी वाला स... जो बोल रहे हैं बी वाला सही है अब सुनो सभी लोग ध्यान से सुनना यहां पे दोनों ही सही है दोनों का हिंदी मतलब समझना आई स्टॉप टू स्मोक अगर स्टॉप के साथ में टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा दिया यह हर किसी के साथ में नहीं होता है सिर्फ इसी के साथ होता है इसलिए बता रहा हूं तो इसका मतलब मतलब है यहां स्टॉप का मतलब रुकना निकलता है क्या निकलता है बेटा रुकना क्या निकलता है यहां पे इसका हिंदी मतलब रुकना निकलता है और जब स्टॉप के साथ में फॉर्म आता है तो इसका मतलब निकलता है बंद करना ठीक है यह ध्यान से सुनना सभी लोग ठीक है क्या से निकलता है बंद करना बोला जा रहा है प्लीज प्लीज रोक दो बंद कर दो भैया बंद कर दो क्या बंद कर दो गलतियां करना तो इसलिए आई एनजी फॉर्म लगाया था और इसका हिंदी मतलब है आई स्टॉप टू स्मोक या स्टॉप्ड टू स्मोक मैं रुकता हूं स्मोक करने के लिए मैं रुकता हूं स्मोक करने के लिए और इसका मतलब है कि मैंने स्मोकिंग बंद कर दी मैंने स्मोकिंग बंद कर दी आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा ठीक है तो स्टॉप के साथ में वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है क्लियर है वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म लगाना है किसके साथ में स्टॉप के साथ में ठीक है चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसको देखेंगे हम लोग इसको भी निपटाएंगे हम लोग उसको ध्यान रखना है ठीक है ये कहां से है तो देखेंगे ये भी हमारा टेंस से रिलेटेड है हालांकि ये सब्जेक्ट वर्व एग्रीमेंट में भी जा सकता है यह हमारा कहीं भी नाउन में भी जा सकता है लेकिन यह वर्व से रिलेटेड है शुरू हो जाओ बेटा सर आएगा हाँ, लगा सकते हैं देखो मैंने वो example जो दिए वो सिर्फ आपको समझाने के लिए दिए कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाना है या आई फॉर्म लगाना है उसमें टेंस आप पास ले लो कोई दिक्कत नहीं है मैंने सिर्फ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का आई फॉर्म समझाना मेरा पर्पज था ध्यान से सुनो ये दो घंटे जो है ना वो आज के यूटिलाइज हो जाए आप लोग कहो कि हां सर ये चीजें हमारी रिवाइज हो रही है ना बात कर रहे हैं हम लोग दीज इडियट्स सॉरी थ्री इडियट्स है मैं इनको दीज पढ़ रहा हूं थ्री इडियट्स मूवी तो देखी होगी ना

Hardly ever cooks. चिराग जो है वो मुश्किल से ही कभी पकाता है भैया मुश्किल से ही कभी वो खाना बनाता है मुश्किल से ही बनाता है तो हार्डली आ गया तो नेगेटिव हो गया स्टेटमेंट नेगेटिव क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा टेंस चेक किया जाएगा इसमें टेंस आपका टेंस चेक किया जाएगा बच्चे इसमें टेंस की गलती कर देते हैं बाकी वो सब सही कर लेते हैं टेंस की गलती कर देते हैं मतलब प्रेजेंट है बेटा क्वेश्चन टैग सेम टेंस में रहता है क्वेश्चन टैग का टेंस नहीं बदलता पैसिव का टेंस नहीं बदलता बहुत सारे हमारे प्यारे बच्चे ना पैसिव बनाते समय भी टेंस बदल देते हैं नहीं बदलता बेटा तो यहां पर हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव बनेगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा भगा दो इसको इसको मत भगाओ प्यारा है बेटा इसमें दो दो ऑप्शन है ना कोई बात नहीं टेंशन ना लो हम इसको सही कर देंगे लो भाई उसको खत्म कर देते हैं दो ऑप्शन दिख रहे हैं ना लो दो ऑप्शन का झंझट खत्म करते हैं हम लोग इसमें से ये लो भाई एक गायब हो गया ठीक है चलो आज बेटा लो अब ठीक है अब कोई टेंशन नहीं है लो अब बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा ठीक है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा बी हो जाएगा ओके आज जो बेटा यहां पे लिखा हुआ है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, है? कंजक्शन से रिलेटेड है कंजक्शन अब ध्यान से सुन लो सभी लोग कंजक्शन का मतलब इफ कंजक्शन का मतलब बिकॉज एंड hardly, दो हार्डली neither, either, नहीं होता है कंजक्शन में वेदर जो रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो भी कंजक्शन का ही पार्ट है क्योंकि वो भी दो सेंटेंस को जोड़ने काम करते हैं बाकी आप लोगों ने पकड़ लिया इसको क्या पकड़ लिया भैया आई डोंट नो दिटी मतलब प्लेस की बात हो रही है किसकी बात हो रही है प्लेस की बात हो रही है तो प्लेस के लिए हम लोग क्या लगाते हैं बेटा हम लोग वेयर लगाते हैं ये वैन कहां पे आता है टाइम के लिए आता है, what कहां पे आता है है कहां पे नॉन लिविंग के लिए आता है ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बट कंजक्शन का है ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब पढ़ के जाना वॉट वाई हु इनके यूजेस पूछ लेता है पढ़ लेना उनको ठीक है सिंगल सिंगल पढ़ लेना ठीक है बात कर रहे हैं डोंट क्राई डेस ये तो सुना हुआ है हा? कितनी बार सुना हुआ है हम लोगों ने इसको कितनी बार सुना हुआ है कितनी बार डोंट क्राई डे फैले हुए दूध पर नहीं रो रहा है क्राई ओवर यह idiom होता है इस ईडियम का कोई मतलब बताएगा क्यों क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का कोई मतलब बताएगा यहां पे कोई है भाई साहब जिसको ईडियम से याद हो चलो मैं भी तो देखू हैं कि एग्जाम सर पे आ रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस याद है कि नहीं बताओ मुझे बताओ मुझे हाँ <coughs> चलो बताओ बताओ जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर हाँ पश्चाताप करना पश्चाताप करना बहुत बढ़िया क्राई ओवर स्पिल्ट मिल का मतलब होता है पश्चाताप करना क्या करना बेटा पश्चाताप करना है ना एक बच्चा बोल रहा है सर इंपॉसिबल चीज को मांगना बेटा वो होता है क्राई फॉर द मून वो होता है क्राई फॉर मतलब कोई चीज को मांगना क्राई फॉर द मून आ जाओ बेटा ये लिखा हुआ है आफ्टर सिक्स मंथस छ महीने बाद यू कैन ऑल्सो आप भी स्पीक बोल सकते हो इन इंग्लिश इंग्लिश में कैसे हा छ महीने पढ़ो ढंग से छह महीने बोलने की कोशिश करो ढंग से छह महीने बाद आप भी इंग्लिश बोल सकते हो कैसे अराउंड मी मेरे चारों ओर बोलोगे कि सर देखो मैंने इंग्लिश सीख लिया आ जाओ बैठो बीच में हम चार और बोल के दिखा रहे हैं कोई सेंस है क्या नहीं मेरे बिना बोल सकते हो कोई सेंस नहीं है मेरे बारे में इंग्लिश में बोल सकते हो अरे ना भैया मेरे जैसा मेरे जैसा तो इंग्लिश में क्या आ जाएगा यहां पर जैसा लाइक आ जाएगा हाँ कई बार आप डायलॉग मारते हो ना नो 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 आई एम नॉट लाइक यू मैं आपके जैसा नहीं हूं साइड में निकल लो चलो पतली गली से निकलो यहां पे तो यहां पे हम लोग बात करेंगे इसकी क्या हो जाएगा लाइक like हो जाएगा क्या हो जाएगा लाइक आज भैया नेक्स्ट क्वेश्चन टेंस के बारे में बात हो रही है ऑल द विनर्स डैश प्राइजेस टूमोरो हमने पकड़ लिया टुमारो को पता चल गया कल के बारे में बात हो रही है दूसरा बोला जा रहा है सारे के सारे विनर्स सारे के सारे विनर्स ये बताओ सारे के सारे विनर्स हैं तो उन्हें प्राइज वो खुद प्राइज देंगे या उनको प्राइज दिया जाएगा पहले तो मुझे यह बताओ कमेंट करके बताओ कि प्राइज दिया जाएगा या वो खुद जाके वितरित करेंगे जब विनर्स है ना तो उन्हें प्राइज दिया जाएगा तो इसका मतलब ये हमें ऑब्जेक्ट दिया है ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट के प्लेस पर आता है तो उसमें बनता है हमारा पैसिव कौन बनता है पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनेगा तो जो भी टेंस होगा उसमें बी प्लस थर्ड फॉर्म आएगा क्या आएगा बी प्लस थर्ड फॉर्म अब देख लो इसको निपटा दें इसको भी निपटा दे इसको भी निपटा दे आंसर क्या बचा यही दिमाग लगाना है पैसिव के आते हैं ना, टेंस में हमारे तोते हैं। तो नहीं उड़ाना है। आपको एक्टिव वॉइस है, है, के प्लेस पे ऑब्जेक्ट बैठा है पैसिव वॉइस है, है। पैसिव है, है।, है तो बी प्लस थर्ड फॉर्म का होना कंपलसरी है किसी में नहीं है आंसर ए लगा दिया ठीक है आगे बढ़ो बेटा आगे बढ़ो आगे बढ़ो चलो गाइस चलो बिफोर टाइम कुछ समय पहले द मॉन्की जम्प डैश द रिवर क्या होगा इसका कम ऑन गाइस प्रीपोजिशन की टेंशन खत्म करते हैं आज हाँ प्रीपोजिशन का इतना प्रैक्टिस करेंगे ऑन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर इनटू मतलब होता है किसी चीज के अंदर इन मतलब होता है किसी चीज के अंदर स्टेबल होना स्टेबल कंडीशन में किसी चीज के अंदर मोशन के साथ जाना और अपॉन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर मोशन के साथ जाना अब नदी में गए हैं ना तो नदी में जंब किया है तो नदी में मोशन के साथ अंदर गए हैं जब मोशन के साथ किसी चीज के अंदर जाते हैं तो इनटू प्रीपोजिशन लगाते हैं क्या लगाते हैं इनटू प्रीपोजिशन और एंटर के साथ में हम लोग कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते किस कंडीशन में प्लेस के लिए है ना अगर प्लेस के बारे में बात हो रही है तो नो no प्रीपोजिशन आएगा अगर नॉर्मल बात हो रही है बिजनेस के बारे में बात हो रही है तो इन आ सकता है ठीक है और कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा चलो बात करते हैं ये सेंटेंस जो है वो सेंस से बनेगा है ना सेंस से बनेगा चलो जाओ बेटा जल्दी से कोलंबस के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी हम सबको पता है हाँ, बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया क्या बात है हम सबको पता है कि भैया कोलंबस की बात हो रही है कोलंबस वॉज इन सर्च डेस अमेरिका क्या हो जाएगा कोलंबस वॉज इन सर्च इन सर्च मतलब में तलाश में होना तलाश है तलाश में इसका मतलब किसकी तलाश में थे किसकी तलाश में थे अमेरिका की तलाश में तो का की के का की के के सेंस में क्या लगाते हैं बेटा हम लोग ऑफ लगाते हैं बस वहां समझना है ठीक है तो कोलंबस वाज इन सर्च ऑफ अमेरिका इन सर्च ऑफ अमेरिका तो ये आपको ध्यान रखना है कोलंबस वाज इन सर्च ऑफ अमेरिका नेक्स्ट बहुत अच्छा है देखते हैं कितने लोग तो मैंने इसमें ज़्यादा खिचड़ी पकाने का बट मैंने सोचा चलो रहने दो छोड़ देते हैं बच्चे हैं क्या करें भाई कौन बताएगा इसका आंसर थोड़ा बहुत खिचड़ी पकाने का मन कर रहा था मेरा चलो चलो बताओ बताओ जल्दी से हाँ ए वाले लोग ए वाले लोग ये डोज वाला कौन है वो भाई साहब डज होता है ये हाँ देखो हम लोग बात कर रहे हैं नो सूनर देखो बेटा कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हिंदी निकाले बिना नहीं कर सकते देखो बेटा इंग्लिश को हिंदी निकाले बिना कैसे कर सकते हो इंग्लिश इज नॉट हार मदर टंग हम लोग पैदा हुआ इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया वो हमें सीखनी पड़ती है तो थोड़ा बहुत तो निकालना पड़ेगा ना बेटा है यू नो वेरी वेल हम लोग बात कर रहे हैं नो no सूनर अब हमने पढ़ा हुआ है जब हमने कंजक्शन पढ़े थे कि नो सूनर देन आता है तो नो no सूनर के साथ वाला सेंटेंस पास्ट एंड में होता है और पास्ट परफेक्ट में भी हो सकता है हमें हेड वाला ऑप्शन नहीं दिए हैं हैं हमें दिया है पास्ट इंडेफिनिट वाले तो बस लो पास्ट इंडेफिनिट बात खत्म है एक ऑप्शन ऐसा भी हो सकता था आपको कंफ्यूज करने के लिए जैसे कि मैं बनाना चाह रहा था बट बाद में मन किया यार रहने दो छोटा सा देखना है क्लास में बता दूंगा आपको ऐसा भी एक ऑप्शन आपको मिल सकता था डिज रोज लगा देता बेटा रोज जो है ना सेकेंड फॉर्म होती है के साथ में सेकेंड फॉर्म नहीं आता तो ये ऑप्शन भी हम लोग भगा देते इसको गोली मार देते इसका भंडारा कर देते राइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है रोज सेकेंड फॉर्म होती है और राइजन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हाँ? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है सभी लोगों को ठीक है वर्ब की फॉर्म भी लेके चलना है हम लोगों को आजो बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पे आजो, आजो, पे इसका आंसर क्या होगा हेलो हेलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नमस्कार वेलकम टू आर एस यूट्यूब चैनल सभी का स्वागत है आरएस सर यूट्यूब चैनल पे अब इधर आ जाओ आंसर बता दो देखो बेटा हमने जनरली पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी सेंटेंस में इतना की सेंस निकलता है मैं पूरी बात बता रहा हूं इतना की सेंस निकलता है तो टू और टू का पेयर होता है और सो और दैट का पेयर होता है सो और दैट का पेयर होता है ठीक है तो दैट लगा हुआ है इसका मतलब सो आ जाएगा शी सिंग सो ब्यूटीफुली वो इतना ब्यूटीफुली गाती है एवरी वन इंजॉय हर परफॉर्मेंस उसके परफॉर्मेंस को सब लोग इंजॉय करते हैं आपका ऑब्जेक्ट आ गया बच्चे पूछते हैं सर ऑब्जेक्ट आ गया तो ऑब्जेक्ट आ गया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा बेटा ठीक है जेरेंड फॉर्म आता है तो वो भी एब्जेक्टिव क्या बनता है ऑब्जेक्ट बन जाता है ठीक है तो यह आपको यहां पर ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ दो बेटा हा huh? एग्जाम प्रेशर को गोली मारो प्रेशर वर्सा छोड़ो प्रैक्टिस करो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो प्रेशर ज्यादा लोड लोगे ना तो लोड तले दब जाओगे और दिमाग में जो पढ़ाए ना जैसे कचूमर निकल जाता है ना ऐसे दिमाग से वो निकल जाएगा ज्यादा लोड लोगे तो है हाँ, बात कर रहे हैं हम लोग आई वुड लाइक डैश अ डॉक्टर समडे अब इसमें क्या आएगा बताओ वुड लाइक like. मैंने आप लोगों को बताया हुआ है यहां पे आई वुड लाइक कई बार आपने यूज भी किया है आई वुड लाइक टू डू दिस वर्ड आई वुड लाइक टू डू दिस थिंग आई वुड लाइक टू डू तो लाइक like के बाद में टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा बी हो जाएगा हा नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माई नेम इज के डी एंड आई टीच इंग्लिश इन इंग्लिश कभी कोई हिंदी में पढ़ा देता हूं आजकल का ट्रेंड क्या है कि इंग्लिश को हम हिंदी में पढ़ेंगे इंग्लिश को हम पढ़ेंगे अंग्रेजी में है चलो बात करते हैं तो इस चीज को हमें समझना है क्लियर है ना तो दिमाग पर लोड नहीं लेना है लोड बड़ा खराब होता है चीजों को समझना है बन जाएगा बहुत आराम से बन जाएगा जितना टेंशन आप ले रहे हो ना उतना नहीं लेना है एग्जाम प्रेशर होता है आई अंडरस्टैंड है द पैकेज अराइव्ड जो पैकेज है ना वो अराइव्ड डैस एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट जब हम ऑर्डर करते हैं ना तो उसमें एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट होती है अब बोला जा रहा है कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट से पहले आ गया एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट से पहले आ गया इन कौन बोल रहा है हाँ, इन कौन सर, एट कौन बोल रहा है एट नहीं आएगा बेटा ऐट किसी जगह के लिए आता है एट किसी जगह के लिए आता है कि मेरे एड्रेस पे आके वो मुझे दे गया हाँ तो ये बोल क्या रहा है कि पैकेज जो है ना वो पहुंच गया था कब पहुंच गया एक नॉर्मल सेंस लगाओ इसमें इसमें आपको एक जनरल सेंस लगाना होगा आप लोग सिर्फ अपनी बात के ऊपर अड़े रहोगे ना तो फिर ये गड़बड़ कर जाएगा ये कोई बात नहीं बोलना चाह रहा है इसका मतलब क्या है कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट जो थी ना उस दिन के पहले आ गया तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे यहां पर बिफोर आ जाएगा है चलो भाई यहां पर यह लिखा हुआ है बहुत ही अच्छा और घटिया क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा और घटिया क्वेश्चन इसमें और भी ऑप्शन हो सकते थे उसमें हमारा बिलो भी ऑप्शन में हो सकता था एक देखो देखो सबसे पहली बात तो ये आपके एग्जाम में एग्जामिनर फालतू का क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना के नहीं देगा सीधे सीधे क्वेश्चन देगा सीधे सीधे आप लोगों से बनेंगे इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं जिस लेवल का आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना उस लेवल तक अपने प्रैक्टिस कर लिया ना तो आपके लिए वो एग्जाम बहुत इजी हो जाएगा बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि हाँ मैंने जो पढ़ा है ना वो हमें याद है हम कर लेंगे द कैट इज हाइडिंग डैश द बेड बेड के नीचे इन तो अंदर तो घुस नहीं गई बीच में तो है नहीं है तो नीचे हो जाएगा क्या सेंस निकलेगा कि भाई जो कैट है ना द कैट इज द कैट है हाइडिंग मतलब छुप रही है डैश द बेड बेड के नीचे छुप रही है हाँ बैड के ऊपर कैसे छुपेगी

लाइक और शेयर जरूर कर दो हा नहीं तो क्या होगा सिलेक्शन इसी बार हो जाएगा सबका सब है हां चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग आई एम गोइंग टू स्टोर मैं स्टोर जा रहा हूं डू यू वॉन्ट डैश अब बताओ इसमें क्या लगा हुआ है दिमाग लगाओ डू यू वॉन्ट लगा हुआ है अब यहां पे वॉन्ट लगा हुआ है तो वॉन्ट के साथ कम आएगा वर्व का फर्स्ट फॉर्म या फिर आई एनजी फॉर्म या टू तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है नहीं बताया है नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको फिर बता देता हूं विश और वांट के साथ हमेशा वर्ब का क्या लगता है फर्स्ट फॉर्म लेकिन टू के साथ तो इसका आंसर ये रह रहता है देखो आप इसमें एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग सी हटा देंगे लेकिन एलिमिनेशन से पूरा नहीं निपटेगा है ना तो यहां पे हम लोग बात करेंगे किसका यहां पे हम लोग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ये याद रखना किसके साथ में विश और वॉन्ट के साथ में नेक्स्ट स्किप हो गया एक क्वेश्चन माई कीज मैं अपनी कीज को ढूंढ नहीं पाया हाँ, मुझे मेरी कीज मिली नहीं आप ऐसे भी बोल सकते हो मुझे मेरी कीज मिली नहीं डैश आई लेफ्ट देम ऑन द किचन काउंटर आई लेफ्ट देम ऑन किचन काउंटर बिकॉज सो बट और बताओ या अब बिकॉज का यूज कहां करते हैं बेटा हम लोग रीजन को बताने के लिए यही चीज समझना है सो so का यूज करते हैं रिजल्ट को बताने के लिए कि भाई इसीलिए यह चीज हो गई हा बट का यूज करते हैं दो अपोजिट एक्शन को बताने के लिए लेकिन के सेंस में हाँ? और और का यूज करते हैं ऑप्शन या चॉइस को बताने के लिए कि पढ़ लो या फेल हो जाओ मेहनत कर लो या आराम से बैठो सो लो या जाग लो एक ही काम होता है तो इसमें क्या बोला जा रहा है आई कुड नॉट फाइंड माई कीज मेरी कीज मुझे मिली नहीं अब मिली क्यों नहीं कीज ना मिलने का कारण क्या हो गया कि मैं उन्हें किचन काउंटर पे ढूंढ छोड़ आया था तो ये क्या दिया है ये हमें रीजन दिया है हमें किचन काउंटर पे छोड़ाया तभी तो नहीं मिली मुझे हा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा सो so, रिजल्ट को बताता है रिजल्ट आपने मेहनत किया इसलिए आप पास हो गए तो ये इसलिए आप पास हो गए तो ये रिजल्ट हो गया आपकी मेहनत का इसमें सो आ जाएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग ये लिखा हुआ है हा? चलो ये लिखा हुआ है सेंटेंस द बुक इज डैश ऑन द टेबल एक वर्ड होता है हमारा द बुक इज On the table. Lays, lays, खाने खाने वाले वाले नहीं है है। है ये, हाँ? समझ लो। लिखा लिखा हुआ, ले लिखा हुआ है. एक word होता है, lie. मतलब लेटा या पड़े होना, किसी चीज को फैला देना है, लेटाने के सेंस में भी आता है तो इस इसमें जब आईएनजी लगाते हैं ना तो एल वाई आई एनजी लाइंग बन जाता है क्या बन जाता है लाइंग बन जाता है इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना यहां बोल रहा है कि भाई किताबें जो है वो टेबल पे पड़ी हुई थी टेबल पे फैली हुई थी तो द बुक्स बुक्स इज है, थीबल बुक इज ठीक है बुक्स बुक्स होगा तो आर हो तो बुक्स आर हो जाएगा द द लाइंग ऑन टेबल बुक जो है ना टेबल पे पड़ी हुई थी तो यहां पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा तो ये आपको ध्यान रखना है वैसे आपसे बन जाएगा क्योंकि एक ही आईएनजी फॉर्म दिया है दो चार तो दिया नहीं है तो कंफ्यूजन नहीं होगा ठीक है कि नहीं है अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं देखो यहां पे लिखा हुआ है आई विल कॉल ये देखो आई विल है बेटा इसको आई विल या आई शैल कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आई विल कॉल यू मैं आपसे आपको कॉल करूंगा अब मैं आपको कॉल करूंगा फ्रैगे की बात पढ़ लो आई अराइव एट द एयरपोर्ट मैं एयरपोर्ट पे पहुंच जाऊंगा मैं आपको कॉल करूंगा तो कॉल कब करूंगा आपको ये दिमाग में अपने आप क्वेश्चन बनेगा कि मैं कॉल करूंगा आपको सर कब करोगे तो अपने आप टोट तो, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन है, सर कब करोगे तो आप बोलोगे जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंच जाऊंगा तो अराइव एट द एयरपोर्ट टाइम की बात हो रही है तो टाइम के लिए हम लोग क्या लगाते हैं टाइम के लिए हम लोग वैन लगाते, है? है? लगाते हैं वाइन लगाते हैं जबकि के सेंस में जबकि जब किसी सेंटेंस में जबकि का सेंस आता है तो उस कंडीशन में या तो वाइल लगाते हैं या वेयर एज लगाते हैं दो एक साथ होने वाले कामों को बताने के लिए दो एक साथ होने वाले कामों को बताने के लिए लगाते हैं और सिंस का यूज करते हैं क्योंकि के सेंस में या फिर टाइम के लिए भी करते हैं जब से ये दोनों चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है रीजन बताने के लिए ड्यूरिंग हमारा प्रीपोजिशन होता है तो इसका तो काम खत्म क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन चाहिए हम लोगों को आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ हाँ आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ हाँ किताबें पढ़ी हुई हैं सेंस तो ऐसा निकल रहा है अच्छा चलो ठीक है अब देखो इस सेंटेंस को पढ़ो शुरुआत में कंजक्शन पूछा गया है ही डिड नॉट स्टडी हार्ड उसने ज्यादा मेहनत नहीं किया ही पास वो पास हो गया अपोजिट एक्शन है हा? वो पास हो गया. वो पास हो गया उसने ज्यादा मेहनत नहीं किया फिर भी पास हो गया इसका मतलब अपोजिट एक्शन है अपोजिट एक्शन के लिए क्या लगाते हैं हम लोग अपोजिट एक्शन को जोड़ने के लिए हम लोग ऑल दो और दो का यूज करते हैं ऑल दो और दो का यूज करते हैं कंजेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑल दो और दो कंडीशन दी होगी आपको ऑल दो ये क्या लिख रहा हूं मैं एच होता है सॉरी जी एच तो ऑल दो और दो होता है बोला जा रहा है हालांकि उसने ज्यादा मेहनत नहीं की फिर भी पास हो गया तो फिर भी पास हो गया ये अपोजिट एक्शन हो गए दो और इस कंडीशन की वजह से वजह होने के बावजूद भी यह हो गया इसका मतलब यहां पे ऑल्दो आ जाएगा क्योंकि यह रीजन को बताता है यह रिजल्ट को बताता है यह रीजन और टाइम को बताता है तो यहां पे बात हो रही है कि ऐसा करने के बावजूद भी यह हो गया तो इसका मतलब क्या है ना पढ़ने के बावजूद भी सिलेक्शन हो रहा है भैया का हाँ ऐसी पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी इन्होंने खा ली हालांकि उसने पढ़ाई नहीं की हालांकि उसने पढ़ाई नहीं की फिरवी पास हो गया तो हालांकि वो फिर का सेंस निकलता है तो दो ऑल दो यट का यूज करते हैं अब बच्चे कहीं से इसमें यट तो है नहीं है मैंने भी बताया यट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बेटा चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ बेटा आई डोंट लाइक मुझे पसंद नहीं है कॉफी डैश टी है अब देखो ये ये हमारा प्रपोजिशन से रिलेटेड है अब देखो यहां पर समझना क्या बोला जा रहा है मुझे पसंद नहीं है क्या पसंद नहीं है कॉफी फिर कॉमा लगा डे क्या पसंद नहीं है कॉफी लेकिन क्या पसंद है तो देखो एंड क्या करता है दो चीजों को जोड़ता है है ना और लेकिन यहां पे क्या लगा दिया कॉमा लगा दिया तो कॉमा लगता है तब एंड नहीं लगता आपने देखा होगा एंड कब लगता है जैसे मैंने बोला यू एंड आई तो कॉमा नहीं लगेगा यू एंड आई डायरेक्ट लिखा जाएगा ठीक है तो यहां पे हट गया ऑप्शन ऑप्शन चॉइस मुझे पसंद नहीं है कॉफी या मतलब आपको ही नहीं पता कि क्या पसंद है क्या नहीं तो मैं बोलूंगा कि आई डोंट लाइक कॉफी और टी मुझे कॉफी या चाय पसंद नहीं है यह क्या मतलब है आप तो अपनी चॉइस बताओगे ना तो यह क्या बोलेगा इसका मतलब यह हो जाएगा इसमें क्या है इसका मतलब होता है एक्सेप्ट इसका हिंदी मतलब क्या होता है इसका हिंदी मतलब होता है को छोड़कर ठीक है को छोड़कर इसका हिंदी मतलब होता है को छोड़कर तो इसका हिंदी मतलब निकलता है आई डोंट लाइक कॉफी बट टी लेकिन चाय पसंद है अपोजिट एक्शन के लिए बट आता है हाँ क्या बोल रहा है आई डोंट लाइक टी बट कॉफी अब क्या हो गया अब हो गया कि मुझे टी पसंद नहीं है लेकिन कॉफी पसंद है लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा यहां पे आई डोंट लाइक कॉफी मुझे कॉफी पसंद नहीं है बट टी टी को छोड़कर चाय को छोड़कर कॉफी पसंद नहीं है तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा बट हो जाएगा तो उसे याद कर लेना और बट के साथ में और देन के साथ में वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है कमेंट करके बताना आप सब लोग सब लोग मुझे कमेंट करके बताना कि बट और देन के साथ में वुड रेदर, हैड रेदर हैड बेटर के साथ में कौन सा कौन सा वर्ब आता है कल बताया था मैंने आप लोगों से हा कौन सा वर्ब आता है आईएनजी फॉर्म आता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है सेकेंड फॉर्म आता है थर्ड फॉर्म आता है ना 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 फर्स्ट फॉर्म आता है कौन सा फॉर्म बताया था फर्स्ट फॉर्म ये बात याद करके था ना ठीक है चलो आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आई एम इंटरेस्टेड हाँ आई एम इंटरेस्टेड दस लर्निंग न्यू लैंग्वेज एक न्यू लैंग्वेज को लर्न करने में, में मेरा क्या है दिलचस्पी है तो इनकी दिलचस्पी है तो इंटरेस्टेड तो के साथ में क्या आता है

है सामने वाले व्यक्ति आपसे बात करना चाह रहा है वो लेकिन आपको ना ना no, no. निकल रहे पत गली से जब मैं बात करना चाह रहा था तब तो तुम आए नहीं है चलो बात कर रहे हैं The weather is nice. जो वेदर है मौसम है अच्छा है वी विल अ पिकनिक अब बताओ इसमें क्या आएगा बट अपोजिट एक्शन बिकॉज रीजन यहां पे सो so, इसीलिए रिजल्ट को बता रहा है एंड दो एक जैसी कामों को जोड़ रहा है क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा बहुत बढ़िया देखो द वेदर इज नाइस वेदर अच्छा है अरे वेदर मौसम अच्छा है तभी तो जाना चाह रहे हैं पिकनिक पे तो इसका मतलब क्या हो गया रिजल्ट वेदर अच्छा है इसलिए पिकनिक पे चलते हैं भैया है हम लोग हाँ तो यहां पे रिजल्ट हो गया ये क्या हो गया ये रिजल्ट हो गया रिजल्ट परिणाम किस चीज का रिजल्ट हो गया अरे रीजन नहीं है रिजल्ट है है ना किस चीज का रिजल्ट है बेटा कि मौसम अच्छा है हा अपोजिट एक्शन कब होता जब ये लिखा होता द वेदर इज नॉट कैसा वेल द वेदर इज बैड डैश वी विल हैव अ पिकनिक हम लोग फिर भी पिकनिक पे जाएंगे मतलब वेदर अच्छा नहीं है पिकनिक पे जाएंगे तो वहां अपोजिट एक्शन फिर क्या लगा देते हैं हम लोग यहां पे बट लगा देते समझ में आ रहा है लेकिन फिलहाल सो लगाएंगे क्योंकि ये हमें क्या दिया है यहां पे हमें रिजल्ट दिया है यहां पे हमें रिजल्ट दिया है इसलिए क्या लगाएंगे हम लोग सो लगाएंगे चलो आगे बात करते हैं आई कांट पुट विद हिज रूडनेस लॉन्गर बहुत अच्छा शब्द है बहुत ही अच्छा शब्द है चलो बताओ मुझे हाँ मोईमोई हो गया कौन है भैया मोई वाला बेटा, निवास्तव में मोई -मे हो जाएगा है मोईमोई -मोई हो गया मोई मोई वाले है चलिए बात करते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं एक बच्चा सर आपने पीछे रॉन्ग टिक कर दिया मेरा रॉन्ग टिक कर दिया क्या देख लेते हैं अभी पहले इस पे आ जाओ आई कैन नॉट पुट विद हिज र्यूडिनस एनी लॉन्गर देखो बेटा उसकी र्यूडिनस को पुट विद नहीं कर सकते पुट मतलब रहना होता है रुकना होता है कुछ भी काम करना तो पुट नहीं ये बोल रहा है वो पुट विद नहीं बोल रहा है वो बोल रहा है पुट अप विद पुट अप विद का मतलब क्या होता है पुट अप विद का मतलब क्या होता है पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट करना किसी चीज को सहन करना किसी चीज को बेयर करना किसी चीज को झेलना किसी चीज को झेलना या सहन करना सहन करना ठीक है किसी चीज को झेलना या सहन करना होता है इस चीज को याद कर लेना इसलिए आंसर ये हो जाएगा एक मिनट कौन सा रॉन्ग टिक कर दिया इसका आंसर तो ये हो जाएगा ना टिक तो मैंने किया ही नहीं था रॉन्ग टिक तो छोड़ो सही तो जा रहा है चलो बाद में देख लेंगे क्वेश्चन नंबर बता देना चेक कर लूंगा आ जाओ बेटा नेक्स्ट वर्ड पे आ जाओ बैकअप अब बैकअप तो हम लोगों ने बहुत सुना होगा और यूज भी किया होगा हम लोगों ने कि सब बैकअप प्लान क्या है सब बैकअप प्लान क्या है सर ये बैकअप चाहिए मेरे को सब बैकअप फोर्स भेज दो सर बैकअप फोर्स भेज दो मैं यहां फंसा हुआ हूं जल्दी से बैकअप फोर्स भेज दो तो बैकअप का मतलब क्या होता है चलिए बताइए बैकअप का मतलब क्या होता है ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है बैकअप का मतलब स्टैंड फाइट लड़ने के लिए तैयार हो जाना थिंक अबाउट के बारे में सोचना ना भैया विद्रॉ पीछे हट जाना ना ना ना. इसका आंसर होता है डिफेंड और सपोर्ट इसका मतलब होता है समर्थन समर्थन है आप लोग सिलेक्शन ले लो मेरे को हिंदी सिखा देना हाँ. चलो बात कर रहे हैं समर्थन करना समर्थन करना है एक लाइन वाली कॉपी लेके ना डेली लिखना पड़ेगा मेरे को उसमें हिंदी तो बात करते हैं हम लोग ये और ये एक आपको बताया था क्या बैक आउट याद करो बैक आउट का मतलब क्या होता है विद्रॉ करना पीछे हटना बैक आउट मतलब विद्रॉ फ्रॉम प्रॉमिस प्रॉमिस से पीछे हटना तो ये होता है बादे से मुकरना हा बादे से मुकरना मुकरना चलो भैया गाने वाने नहीं आते पूर्ण होती सेकेंड कल होने वाली है एक बजे याद रखना टॉपिक कौन कौन से कवर होंगे नाउन प्रोनाउन आर्टिकल एडवर्ब नरेशन वॉइस और पीक्यूआरएस पैसेज होगा पीक्यूआरएस की जगह पैसेज को प्रायोरिटी देंगे क्योंकि पीक्यूआरएस मैं आज लेके आया हूं कोशिश कर रहा हूं पीक्यूआरएस तक जल्दी से जल्दी हम लोग पहुंचे आजो बेटा आज आज अभी तो एक घंटा रखा हुआ है आराम से पहुंच जाएंगे पीक्यूआरएस तक हाँ चलो आज बेटा यहां पे वॉइस क्लियर वाला फिर आ गया ये बच्चा वॉइस क्लियर है अभी तो मैंने पूछा ही नहीं है वॉइस क्लियर है चलो बात कर रहे हैं हम लोग यहां पे किसके बारे में द जॉब ऑफर वॉज टू गुड फॉर रणजीत टू डे मतलब बोला जा रहा है कि जो जॉब ऑफर था ना वो टू गुड थी रणजीत के लिए टू गुड थी टू डैस क्या करने के लिए टर्न फ्रॉम टर्न बैक टर्न ऑफ टर्न ऑफ मतलब होता है बंद करना टर्न ऑफ का मतलब बंद करना टर्न बैक मतलब कहीं से वापस आ जाना ठीक है लौटना वापस लौटना ठीक है वापस लौटना वापस लौटना तो ये हो जाएगा हमारा वापस लौटना टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना ठीक है बंद करना होता है अब टर्न डाउन का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है रिजेक्ट करना है कि भैया क्या बोला जा रहा है कि जो जॉब ऑफर था ना जॉब ऑफर वो रंजीत के लिए इतना अच्छा था कि उसे क्या करना पड़ा उसको रिजेक्ट करना पड़ा क्या करना पड़ा बेटा रिजेक्ट करना पड़ा कि भैया वो इतना अच्छा ऑफर था कि मुझे रिजेक्ट करना पड़ा कि बोलते ना कि वहां से जो व्यक्ति ने ऑफर दिया था ना वो इतना अच्छा था कि मुझे उसे भगाना पड़ा है तो वहां पर बात करें टर्न डाउन क्या हो जाएगा टर्न डाउन हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ चलो 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 जल्दी कम ऑन गाइस क्या हो जाएगा इसका आंसर शी केम टू वर्क शी केम टू वर्क इन स्पाइट ऑफ द रेन इन स्पाइट ऑफ वी हैव डिस्कस्ड इन स्पाइट ऑफ एंड डेस्पाइट कहा यूज करते हैं इन स्पाइट ऑफ डेस्पाइट का यूज कहां करते हैं बेटा चलो बात कर रहे हैं इन स्पाइट ऑफ डेस्पाइट का यूज कर रहे हैं हम लोग इसका यूज कहां करते हैं इसका हिंदी मतलब होता है के बावजूद के बावजूद ये दो अपोजिट एक्शंस को जोड़ने का काम करता है दो अपोजिट एक्शन को जोड़ने का काम करेगा अब आप कहोगे कि सर दो अपोजिट एक्शन को जोड़ने के लिए तो बट भी आ रहा था हां आ रहा था ना लेकिन वो कंजक्शन था प्रिपोजिशन के सेंस में वो एक्सेप्ट को छोड़कर के सेंस में आता है तो यहां पे क्या बट ऑप्शन में दिया है कोई आएगा क्या देखो डेस्पाइट अपने साथ में कभी भी ऑफ नहीं लेता कभी ऑफ नहीं लेता तो उसको तो गोली मार देंगे अपन लोग दूसरा यहां पर इनपाइट को रिप्लेस करना है तो ऑल्दो के साथ में ऑफ लग सकता है नहीं क्योंकि पूरा सेंटेंस आएगा वाइल के साथ में ऑफ लग सकता है नहीं वाइल प्रपोजिशन बनता है लेकिन वो अपने साथ में वर्ब का आईएनजी फॉर्म लेता है कोई काम करते करते है ना कोई काम करते करते कोई सेंस निकलता है ना तो उस कंडीशन में हम लोग वाइल लगाते हैं लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर डी हो जाएगा अब इसको लगाऊं कैसे डी आंसर मैं यहां लगा देता हूं यहां पे टिक कर देता हूं नो सब्सिट्यूशन रिक्वायर्ड मतलब कोई भी सुधार की जरूरत नहीं है जो लिखा है वो सही लिखा है अपोजिट एक्शन है देखो शी केम टू वर्क वो काम पे आई थी इन स्पाइट ऑफ द हैवी रेन भारी बारिश होने के बावजूद भी भारी बारिश होने के बावजूद भी वो काम पे आई थी अपोजिट एक्शन हुआ हुआ ना तो स्पाइट ऑफ होगा ठीक है बेटा इसको याद कर लेना ठीक है यहां से क्वेश्चन हमारा बन जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ? चलो बात कर रहे हैं द चेयरमैन चेयरमैन इज इल जो है ना वो बीमार है एंड वी विल हैव टू और हमें करना पड़ेगा डैश द मीटिंग मीटिंग को फॉर अ फ्यू डेज कुछ दिन के लिए तो ये बताओ चेयरमैन मीटिंग अटेंड करने नहीं आ पा रहा है उसकी तबीयत खराब है तो हमें मीटिंग को क्या करना पड़ेगा मीटिंग को क्या करना पड़ेगा दिमाग लगाओ हिंदी में बता दो इंग्लिश में बता दो मीटिंग को क्या करना पड़ेगा डिले करना पड़ेगा मीटिंग को टालना पड़ेगा पोस्ट बॉन करना पड़ेगा डिले करना पड़ेगा तो डिले करने के लिए क्या आता है हाँ पुट ऑन का मतलब होता है वियर करना पहनना हाँ और इंसान कोई मोटा होता है ना उसके लिए भी यूज करते हैं सर यू आर पुटिंग ऑन वेट हा आप मोटे हो रहे हो पुट ऑफ ये वाला पुट ऑफ नहीं होता ठीक है पुट अवे ये भी हटा दो हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा पुट ऑफ पुट ऑफ के दो मतलब होते हैं पुट ऑफ के दो मतलब होते हैं बेटा पुट ऑफ का पहला मतलब रिमूव करना उतारना या हटाना किसी चीज को किसी चीज को दूसरा होता है किसी चीज को डिले करना या पोस्टपोन करना पोस्ट करना तो ये चीज आपको ध्यान रखना है ठीक है किसी चीज को टाल देना तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहां पर पुट ऑफ टालना कि हमें मीटिंग कुछ दिनों के लिए टालनी पड़ेगी हमें मीटिंग कुछ दिनों के लिए क्या करना पड़ेगा टालना पड़ेगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो यह आपको ध्यान रखना है कोई दिक्कत यहां पे नहीं है ना यस सर यू आर ये देखो इंग्लिश झड़ रहे इंग्लिश टीचर के सामने यस सर यू आर यस आई एम है चलो अब देखो को मुझे कोई फिजिकल करना नहीं है जब तक फिजिकल करना था तब तक, तक हमने वेट को धारण नहीं किया हाँ हा? उसके बाद फिर वेट को धारण करना शुरू कर दिया और फिर लॉकडाउन में तो वेट हमारा 110 तक पहुंच गया था फिर धीमे धीमे कम किया है चलो आगे बढ़ो पंचायत करवा लो फलतुगा देखो ये लिखा हुआ है आई यू और आई शुड शुड क्या हो गया शुरू हो गया हमारा मॉडल वर्ब एंड वी ऑल नो वॉट मॉडल वर्ब के साथ में वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है गाइस कौन सा फॉर्म फॉर्म आता आता है वर्ब का फर्स्ट है आइदर यू और आई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता, तो आता है तो बस बात खत्म अब क्या देखना है टेक्स गाइव टेकिंग गाइव टुक गाइव सबको हम लोगों ने हटा दिया हा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है किसको छोड़कर ये कहां गए हम लोग बता देता हूं यही बता देता हूं और टू और यूज टू को छोड़कर इसको छोड़कर यहां पर टू अपने साथ पहले से लेता है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ इसको हटा देता हूं <coughs> मैं क्या हो जाएगा इसका आंसर द आर्मी डे गोइंग थ्रू इट्स ट्रेनिंग गो थ्रू मतलब होता है किसी प्रोसेस से गुजरना किसी चीज से होके गुजरना गो थ्रू का मतलब किसी चीज से या प्रोसेस से होकर गुजरना ठीक है देखो गुजरना होता है गो थ्रू का मतलब होता है गो थ्रू मतलब किसी चीज से होकर गुजरना है ना एक होता है गेट थ्रू ये भी याद कर लेना गेट थ्रू का मतलब क्या होता है गेट थ्रू का मतलब होता है यहां पर सक्सीड होना होना मतलब सफल होना। किसी भी काम में क्या होना सक्सीड होना सफल होना तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छा गो थ्रू का एक और मतलब होता है एक तो गुजरना होता है एक होता है रीड हरीडली किसी चीज को जल्दी जल्दी पढ़ लेना हरीडली क्या होता है रीड हरीडली मतलब किसी चीज को जल्दी से पढ़ना जल्दी से पढ़ना जैसे हम लोग रिवीजन करते हैं ना तो मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि वो कैफ को रिवाइज करो लेकिन कैसे करो गो थ्रू कर लो एक बार एक बार गो थ्रू मतलब जैसे कोई रजिस्टर है उसको पलट के एक बार एक बार हाँ यहां ये यह लिखा हुआ, यहां लिखा, हुआ लिखा है ठीक है दो चार बार पहली पढ़ चुके अच्छे से तो उसका तो गो थ्रू का मतलब रीड भी होता है गो थ्रू का मतलब किसी चीज से होकर गुजरना जगह से होके नहीं नहीं तो पास थ्रू हो जाएगा जगह से होके नहीं पास थ्रू हो जाएगा नहीं तो ठीक है तो गेट थ्रू का मतलब होता है सक्सीड क्या होता है बेटा सक्सीड आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ ही टोल्ड मी दैट ही डेज वॉचिंग द मूवी हा उसने मुझे बताया था हा उसने मुझे बताया था क्या बताया था दैट अब देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो ऑप्शन कुछ ऐसे मिल रहे हैं, है ना उसने मुझे बताया था डैश वॉचिंग द मूवी मूवी देखना कर दिया तो इसका मतलब मूवी इसने खुद देखी है सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो टू बी फॉर्म के बाद में थर्ड फॉर्म नहीं आ सकता क्यों क्योंकि जब सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो एक्टिव वॉइस बन रहा है क्या बन रहा है बेटा एक्टिव वॉइस बन रहा है और एक्टिव वॉइस में इजमार वॉजवर के साथ में एडजेक्टिव आता है तो थर्ड फॉर्म आ सकता है लेकिन पैसिव में नहीं आएगा तो पैसिव में इसका गलत आंसर हो जाएगा अब हमारे पास बचा क्या दो ऑप्शन अकेला नॉट के साथ सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आ नहीं सकता तो आंसर क्या हो जाएगा ये हो गया एलिमिनेशन मैथड से लेकिन अब आप देखो यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि भाई बोल रहा है कि उसने मुझे बताया था कि उसने मूवी देखना बंद कर दिया उसने मूवी देखना फिनिश कर दिया खत्म कर दिया तो खत्म कर दिया काम खत्म हो चुका है ना काम खत्म हो चुका है ना पास्ट में काम खत्म होने के लिए क्या लगाते हैं पास्ट परफेक्ट लगाते हैं तो इतना कॉमन सेंस लगाते हैं तो डायरेक्ट बन जाता हमारा लेकिन मैंने आपको दोनों तीनों बता दोनों चीजें बता दी आप लोगों को पढ़ा पढ़ा के मैं तुतला हो जा रहा हूं दोनों तीजें बता दी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आई थिंक सो यस इट इज चलो कोई बात नहीं है इसका आंसर बता दो चलिए बताइए बताइए हाँ पढ़ लो बेटा पढ़ लो मेरी एनिवर्सरी के पीछे मत जाओ मेरी एनिवर्सरी बहुत दूर है बेटा ठीक है हैप्पी एनिवर्सरी वाले पढ़ लो पढ़ाई पे ध्यान दो जो आपकी सत्रह तारीख को एनिवर्सरी आ रही है ना जिंदगी की करियर की उस पर फोकस करो हैप्पी एनिवर्सरी सर चलो यहां पे क्या हो जाएगा आंसर इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहां पे आंसर हमारा ये हो जाएगा डज राइज है ना डी आंसर हो जाएगा सॉरी 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 क्या कर रहा हूं मैं ये हैप्पी एनिवर्सरी के चक्कर में ना चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये नो सूनर लगा बेटा नो सूनर पास्ट के बारे में बात हो रही है हा? तो पास्ट के नो सूनर सुनर स्टार्टेड छिरपिंग स्टार्ट छिरंग लिखा हुआ है नहीं 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 नहीं, नहीं. एक मिनट इसका आंसर चेंज है बेटा इसका आंसर जो है वो चेंज है बेटा बिल्कुल सही क्वेश्चन है गलत नहीं है एकदम सही क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा क्यों हो जाएगा इसका यहां पे लोग ध्यान से, बोला जा रहा है कि नो द सन दन देन द बर्ड्स स्टार्ट चिरपिंग इसका मतलब यह है कि जो जैसे ही सूरज उगता है यहां बोला जा रहा है कि जैसे ही सूरज उगता है चिड़िया चह चाहना

शुरू कर देते हैं समझ में आ गया तो इसके लिए इसका आंसर डी हो जाएगा आंसर चेंज है बेटा ठीक है आंसर कैसा बेटा चेंज हो है। नहीं नहीं आपने डी किया ना अरे भाई बिल्कुल डी है इसका आंसर क्यों टेंशन ले रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ बहुत अच्छा क्वेश्चन है चलो डैश माय ओपिनियन ही इज वेरी क्लेवर बॉय मेरे हिसाब से मेरे ख्याल से वो व्यक्ति जो है ना बहुत ही क्लेवर है क्लेवर का मतलब होशियार होता है चालाक नेगेटिव वाला नहीं पॉजिटिव लाइक like मामा। मामा हाँ। like कृष्ण भगवान वो भी तो चालाक थे है? चलो बात करते तो इन माय ओपिनियन होता है समझना इसको देखो यहां पे समझना एक होता है अकॉर्डिंग टू है ना जो मैंने अभी आपको बताया था एक होता है इन माय ओपिनियन ठीक है ओपिनियन मेरी राय में और एक होता है टू माय माइंड क्या होता है टू माय माइंड टू माय माइंड का मतलब क्या होता है टू माय माइंड का मतलब होता है मेरे हिसाब से ठीक है एक बात और सुन लो अकॉर्डिंग टू का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ में नहीं होता फर्स्ट पर्सन के साथ में अकॉर्डिंग टू का यूज कभी नहीं करते हम लोग हम लोग नहीं करते लेकिन कई बार आपने सुना होगा बच्चे यूज करते हैं मैं भी यूज करता हूं कई बार यूज करता था मैं आजकल नहीं सुनोगे आप लोग मुझे पता चल चुका है इसके पीछे राज क्या है फर्स्ट पर्सन के साथ में हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ में अकॉर्डिंग टू का यूज नहीं करते अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता गलत होता है आपको बता दू ठीक है हाँ तो फिर क्या यूज करेंगे इन माई ओपिनियन या टू माई माइंड आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सेकेंड और थर्ड के लिए यूज कर सकते हैं आपके हिसाब से उसके हिसाब से <laughs> बात कर रहे हैं हम लोग यहां पे ही शुड टेक केयर टेक केयर के साथ प्रपोजिशन कौन सा आता है कमेंट करके बता दो बेटा यहां पे द आर्मी के बारे में क्या हो गया वर्व मैं सिंगुलर होगा अप्रूवल होगा बेटा द आर्मी पूरे ग्रुप को बता रहा है यहां पे कलेक्टिव नाउन है सिंगुलर हो जाएगा बेटा सिंगुलर हो जाएगा कलेक्टिव नाउन सिंगुलर अप्रूवल कब होता है नाउन में पढ़ लेना पढ़ाऊंगा कल कल नाउन का सेशन है बताऊंगा आज तो टेंस का चल रहा है वहां लेके आऊंगा ऐसे क्वेश्चन सिंगुलर और अप्रूवल वाले ठीक है चलो बहुत बढ़िया टेक केयर ऑफ होता है क्या होता है बेटा टेक केयर ऑफ होता है और इसी के लिए एक हम लोग और लगाते हैं फ्रेजल वर्ब क्या लगाते हैं बेटा हम लोग लगाते हैं लुक आफ्टर क्या लगाते हैं बेटा लुक आफ्टर लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है टेक केयर ऑफ होता है क्या होता है बेटा टेक केयर ऑफ होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू वेट देश इट इज सॉफ्ट रेनिंग बताइए ऑन Before, टेल ऑन ऑन की जगह एक जगह ऐड कर लो ठीक है एक जगह क्या कर लो इसमें एक जगह आप लोग ऐड कर लो ठीक है ये हो जाएगा आपका भाई रुक नहीं मानोगे चलो भाई कोई बात नहीं है एक जगह आप लोग ऐड लगा लो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर मी आई एम गोइंग टू वेट अ डेस्ट इट इज स्टॉप तो इसमें बात हो रही है टाइम की इसमें बात हो रही है टाइम की तो टिल आ जाएगा टिल मतलब हा आई एम गोइंग टू वेट मैं वेट करने वाली हूं कब तक भैया जब तक बारिश बंद होगी तो जब तक के बारे में बात हो रही है तो जब तक के बारे में बात करते हैं तो हम लोग टिल का यूज करते हैं का यूज करते हैं जब तक नहीं, जब तक तक नहीं नहीं बारिश बंद होगी तब तक तो वह अंटिल अगर ऑप्शन में होता तो फिर टिल ऑप्शन में नहीं होता देन हम लोग आंसर अंटिल लगा रहे होते इसका आंसर बता दो बेटा हा चलो बताओ इसका आंसर बेटा नो सुनर वाले में जो सेकेंड वाला था उसमें रूटीन है कि जैसे ही सूरज उगता है वैसे ही चिड़िया चहचहाना शुरू कर देती है कभी सुबह उठा होगा आप लोगों ने तो वहां पे सुबह सुबह जागोगे ना तो चिड़ियों की अच्छी आवाज आ रही होगी हा इसका आंसर क्या हो जाएगा ये लिखा हुआ है इन लंदन द कार गोज डैश द लेफ्ट साइड हाँ क्या बोला जा रहा है कि भैया लंदन में जो कार है ना वो लेफ्ट साइड पे चलती है लेफ्ट साइड पे चलती है भैया इसमें आ, क्या जाएगा? आ जाएगा ऑन आ जाएगा ऑन द लेफ्ट साइड इन द लेफ्ट साइड क्या होता है है कुछ बच्चे इसमें क्या लगा रहे हैं ऑन टू लगा रहे हैं हाँ टू द लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड की ओर चलती है लेफ्ट साइड की ओर चलती है ना भैया लेफ्ट साइड पर चलती है भाई टू का यूज करते हैं डेस्टिनेशन के लिए कहीं कहीं जाना भैया हा आई एम गोइंग टू माई होम मैं अपने घर जा रहा हूं डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन नहीं बताया जा रहा है ऑन लेफ्ट साइड पर चलती है उल्टे हाथ पर चलती है हिंदी में बोलो ना कि उल्टे हाथ पर चलती है huh? तो यहाँ पे उल्टे हाथ के लिए हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ ये लिखा हुआ है सुगन्या सुगन्यान हा सुगन्या वॉज बोर्न डैश तुरचि तमिलनाडु में शायद एक जगह है तुरची बहुत अच्छी भी जगह है कई बार आप लोगों ने अगर साउथ इंडियन मूवी देखी हो तो उनमें यह शब्द यूज हुआ है तुरची कई बार तो बेटा बॉर्न इन हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा बॉर्न इन तुरछी हो जाएगा सुगन्या वॉज बॉर्न इन त्रिची सुगन्या कहां पे पैदा हुई थी तुरछी में तो बिगर प्लेस के लिए क्या यूज करते हैं बिगर प्लेस या सिटी के जो बड़े बड़े प्लेस होते हैं उनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं हम लोग यूज करते हैं इनका ठीक अच्छा, है ना तो हो जाएगा। है ना मैंने रिच लिख दिया आप यहाँ पे नॉर्मल फैमिली भी लिख सकते हो तो बॉर्न ऑफ कब आएगा बॉर्न ऑफ आएगा जब किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो मतलब फैमिली के बारे में बात हो रही हो तो अब हमारा क्या आएगा ऑफ आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज लकीली भाग्यवश आई मेड इट आई मेड इट टू द स्टेशन डैश टाइम टू कैच द लास्ट ट्रेन अब बताओ दिमाग लगाओ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है समझना पड़ेगा लकीली भाग्यवश बस फॉर्चुनेटली भाग्य आई मेड इट टू द स्टेशन मैं स्टेशन पहुंच गया डैश टाइम टू कैच द लास्ट ट्रेन लास्ट ट्रेन को पकड़ने के लिए भाग्यवश मैं ट्रेन कहां पहुंच गया स्टेशन कैसे पहुंच गया आ? यहां पर इन टाइम पहुंच गया मैं आपको हमेशा बोलते रहता हूं एरोप्लेन या ट्रेन वगैरह जो भी होता है ना उसको पकड़ने के लिए हम लोग इन टाइम जाते हैं कभी ऑन टाइम नहीं जाते इसमें ऑप्शन में ऑन है नहीं है पहली बात और होता भी ना तो भी ऑन नहीं लगाते हैं हम लोग क्योंकि हम उससे पहले पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ एवरी वन इन दिस वर्ल्ड हर एक व्यक्ति इस दुनिया में इज अकाउंटेबल टू गॉड भगवान के प्रति क्या है जिम्मेदार है तो आपको बताया अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल के साथ में दो प्रिपोजिशन आते हैं फिक्स प्रिपोजिशन का क्वेश्चन है जिसके प्रति जिम्मेदार है टू आएगा जिस काम के लिए है फॉर आ जाएगा तो यहां काम के बारे में बात हो रही है तो यहां पर जिसके प्रति है वहां तो टू पहले ही दिया है जिस काम के लिए है उसके लिए क्या आ जाएगा फॉर अपने अपने कामों के लिए भगवान के प्रति जिम्मेदार हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन थ्रो अ स्टोन पत्थर को फेंको कहां पर फेंकना है एक फियर्स डॉग मतलब खतरनाक सामने डॉग खड़ा हुआ है उस डॉग कर डॉग पर क्या करना है डॉग पर क्या करना फेंकना है हम लोग तो डॉग के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर क्या हो जाएगा तो भाई जब किसी चीज को टारगेट करते हुए कोई काम करते हैं ना तो ऐट आता है एम एट टारगेट एट शाउट एट लाफ एट शाउट एट uh, होता है तो ये शाउट एट मतलब किसी को टारगेट करते हुए चिल्लाना laugh एट मतलब किसी को टारगेट करते हुए हंसना तो ये होता है तो यहां पे at हो जाएगा क्या हो जाएगा पे मोर टू बी एन एस प्लेयर एस प्लेयर का मतलब होता है बहुत ही एस प्लेयर मतलब इक्का हुक्म का इक्का बनने के लिए ना आपको क्या करना है भैया बताओ मुझे आपको क्या करना है हुक्म इक्का बनने के लिए चलिए चली गई वॉइस चली गई वॉइस चली गई एक मिनट वॉइस तो सही है चलो 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 तो वहां पे क्या होता है वॉइस स्टार्ट मतलब वहां पे बर्ड्स स्टार्ट चिरपिंग हो जाएगा वहां पे, ठीक है तो बात कर रहे हैं यू डेस प्रैक्टिस मोर टू बी एन एज प्लेयर तो यहां पे क्या है यू नीड टू शुड नॉट तो होगा नहीं एडवाइस देगा तो शुड होना चाहिए था शुड नॉट नहीं होगा मे और वुड का कोई सेंस नहीं आ रहा है तो यहां आवश्यकता को बता रहा है कि आपको एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर बनने के लिए आपको आपको प्रैक्टिस की जरूरत है आवश्यकता है किसकी प्रैक्टिस की जरूरत है चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बहुत ही अब शुरू हो गए यहां से मॉडल वर्ब ध्यान से सुनना एक एक चीज को मिस मत कर देना मॉडल वर्ब भाई साहब ये लिखा हुआ है आई हैवंट सीन फ्रेंड्स दिस दिस वीक्स वीक्स माई oh गॉड आप लोग इसका आंसर बताओ मैं इसको जरा सुधार के आता हूं चलो इसमें क्या हो जाएगा दिस वीक हो जाएगा इसका आंसर आप लोग बताओ मुझे कमेंट करके आई हैवंट सीन माई फ्रेंड्स दिस वीक डैश बी अवे हा बोला जा रहा है कि मैंने इस वीक में अपने दोस्तों को देखा ही नहीं इस वीक में मेरे दोस्त दिखे ही नहीं डैश बी अवे दे मस्ट बी अवे जो हमें नहीं है समझो दिमाग लगाओ कैन कैपेबिलिटी बता रहा है क्या सेंटेंस में कैपेबिलिटी बता रहा है नहीं बता रहा है तो कैन हो सकता है क्या नहीं शुड बी दे शुड बी अवे उन्हें दूर होना चाहिए कोई सजेशन है क्या कि उन्हें दूर होना चाहिए नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा नेक्स्ट हमारा शेल हो जाएगा तो शेल तो सुझाव के लिए फ्यूचर के लिए आता है इसका आंसर क्या हो जाएगा दे मस्ट बी अवे मतलब वहां पे उनके बाहर होने की संभावना ज्यादा हो गई क्योंकि वो दिखे नहीं है एक सप्ताह से तो एक सप्ताह से कोई व्यक्ति दिखा नहीं है तो उनके बाहर होने की संभावना ज्यादा हो गई नेक्स्ट क्वेश्चन आई डैश सबमिट माई असाइनमेंट अदरवाइज आई डैश नॉट गेट अ ग्रेड समझो बात को क्या हो जाएगा इसका आंसर दिमाग का इस्तेमाल करना बोला जरा अदरवाइज अन्यथा क्या होगा मुझे ग्रेड नहीं मिलेगी भैया मुझे ग्रेड नहीं मिलेगी तो इसका मतलब देखो इससे दो दो डबल फ्लर आते हैं ना तो आसान बन जाता है किसी भी एक को ढूंढ लो दूसरा मिल जाएगा हमें मुझे ग्रेड नहीं मिलेगी आई डैश गेट ग्रेड तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो यहाँ पे क्या हो सकता है यहाँ पे शुड मुझे ग्रेड नहीं मिलना चाहिए तो शुड को ही हो कैन नॉट कैपेबिलिटी बता रहा है नहीं बोल रहा है कि अगर मैंने समय पर या अगर मैंने assignment submit नहीं किया तो मुझे grade नहीं मिलेगी एक्शन तो मतलब मतलब क्यों? को बता रहा है कि वो काम मुझे करना ही होगा असाइनमेंट मुझे सबमिट करना ही होगा तभी जाके ग्रेड मिलेगी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा असाइनमेंट सबमिट करना ही होगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा कमेंट करके बताओ इसका आंसर मस्ट और विल हो जाएगा क्या हो जाएगा मस्ट और विल हो जाएगा बहुत बढ़िया मतलब यार कमाल नहीं है मतलब क्या कहना आपके बारे में है? सब कुछ मतलब उड़ा दिया आप लोगों ने छुटकियों में है? चलो अब इसको भी उड़ाओ ये लिखा हुआ है इफ यू एक्सपीरियंस एनी ब्रीदिंग प्रॉब्लम अगर आपको कोई भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है ना तो आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए

आधे से ज्यादा लोग कोरोना में हाइपोकॉन्ड्रिक हो गए थे उन्हें यह लगता था कि भैया आज तो गया टेस्ट अलग से सोचो हम लोगों को क्या हो गया था हाइपोकॉन्ड्रिक हो गए थे हम लोग चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे डैस यू पास मी प्लीज लगा हुआ है इसमें प्लीज लगा हुआ है यू पास मी सम लगा हुआ है तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा यहां पे रिक्वेस्ट हो रहा है प्लीज लगा है ना तो रिक्वेस्ट हो रहा है जब किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट होता है पोलाइट रिक्वेस्ट होता है किसी सेंटेंस में तो हम लोग किसका यूज करते हैं मे का यूज करते हैं कुड का यूज भी करते हैं मे का यूज करते हैं कुड का यूज भी करते हैं तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा कुड हो जाएगा आजो भाई आजो आजो आजो, आजो बेटा यहां पे क्या हो जाएगा बताओ देखो इफ के साथ में क्या आ गया बेटा सेकेंड फॉर्म आ गया हमने कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ा है कि के साथ में अगर सेकेंड फॉर्म आ गया तो इधर फिर हमारा यहां पे विल कैन नहीं आ सकता इसमें हमारा विल का वुड हो जाएगा ऑप्शन में वुड है क्या नहीं है हटा दो यहां पे मे नहीं आएगा माइट हो जाएगा जे भी आएगा, आएगा, ये भी हट गया कैन नहीं आएगा कुड आएगा हट ये भी हट गया कंडीशनल सेंटेंस से कितना सपोर्ट मिल रहा है बेटा हा, कितना सपोर्ट मिल रहा है कंडीशनल सेंटेंस से कि बात हो रही है यहां पे, कि इफ यू वांटेड अ बेटर जॉब अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए थी ना तो यू डैश हैव स्टडीड फर्दर आपको और पढ़ना चाहिए था यू ऑट टू हैव पास्ट एडवाइस है ये ये क्या दे रहा है बेटा पास्ट एडवाइस दे रहा है कि आपको और पढ़ाई करनी चाहिए थी आपको और पढ़ना चाहिए था अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए थी तो आपको और पढ़ना चाहिए था तो ये पास्ट एडवाइस दे रहा है और should और should और पास्ट एडवाइस में शुड शुड टू के साथ में हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है क्या आता है कि अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए थी ना तो आपको और पढ़ना चाहिए था आगे और स्टडी करना चाहिए था तो यहां पर यह हो जाएगा ठीक है यहां पे सेंटेंस को समझना बहुत जरूरी है हा? ये क्यों दांत निकल रहा है मुंह फाड़ फाड़ के क्यों हंस रहा पढ़ ले भाई मेरे पढ़ ले पढ़ ले है रील्स वाली बात याद आती है या अब बोलता हूं ना पढ़ ले पढ़ ले तो रील्स वाली बात आती है पढ़ ले भाई पढ़ ले है फेल हो जाएगा नहीं तो चलो नेक्स्ट माई डॉक्टर मेरे डॉक्टर ने कहा डेट आई डेस स्टॉप अब देखो स्टॉप के साथ में आईएनजी फॉर्म आ गया इसका मतलब बंद करने वाला स्टॉप है आईएनजी फॉर्म ले रहा है मुझे बंद कर देनी चाहिए क्या बंद करनी चाहिए बताओ एडवाइस एडवाइस है है ना मुझे तो ये दे रहा है वो कि भैया स्मोक क्योंकि रीजन क्या है क्योंकि वन ऑफ माय लंग्स गेट इन्फेक्टेड मेरा जो फेफड़े हैं उनमें से एक खराब हो गया है जब एक खराब हो गया तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहा है एडवाइस के लिए कोड आता है क्या नहीं कैपेबिलिटी पास्ट कैपेबिलिटी माइट पास्ट फॉर्म लेस पॉसिबिलिटी या फिर अनुमान लगाने के लिए कैन प्रेजेंट कैपेबिलिटी के लिए बात एडवाइस की, की हो ही नहीं रही है चलो आ गया जो। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं ना इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है इसी तरह से प्रिपोजिशन हो या मॉडल वर्ब हो उसके क्वेश्चंस को इसी तरह से अटेम्प्ट करना है जल्दबाजी नहीं करना है चलो आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे वेन आई वॉज मच यंगर जब मैं बहुत जवान था जवान हुआ करता था मैं अब तो मैं बूढ़ा हो गया सिक्सटी प्लस हो गया तो वेन आई वॉज मच यंगर जब मैं बहुत जवान हुआ करता था आई डेस वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस मैं बहुत लंबी लंबी दूरियां चला करता था वॉक करता था भैया वॉक चलता था बेटा तो देखो बात किसकी हो रही है पास्ट की पास्ट की बात हो रही है पास्ट कैपेबिलिटी की बात हो रही है पास्ट कैपेबिलिटी के लिए विल हटा दो ये तो वैसे ही भाग जाएंगे कैपेबिलिटी के लिए कैन और आता है और फ्यूचर कैपेबिलिटी के लिए क्या आता है, के लिए क्या आता है? कोई बताएगा मुझे फ्यूचर कैपेबिलिटी है. है? के लिए आजो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन माई हस्बैंड डेस प्ले पियानो वेरी वेल मेरे जो हस्बैंड है ना वो डैस प्ले पियानो वेरी वेल बिकॉज ही इज अ प्रोफेशनल पियानिस्ट मेरे फ, जो हस्बैंड है ना वो पियानो बना बजा सकते हैं इसका मतलब एवल्टी के बारे में बात हो रही है वो बजा सकते हैं ही इज प्रेजेंट की बात हो रही है वो कौन है प्रोफेशनल पियानिस्ट हैं तो बजा सकते हैं इसका मतलब प्रेजेंट एबिलिटी के बारे में बात हो रही है और प्रेजेंट एबिलिटी या कैपेबिलिटी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं हम लोग यूज करते हैं कैन मेरे हस्बैंड बजा सकते हैं आप इस एग्जाम को फोड़ सकते हो यू ऑल कैन अब इसके बाद फोड़ने को क्या बोलेंगे Crack this exam. Crack मतलब फोड़ना ही तो होता है हा? बोलते ना फोड़ना क्रैक मतलब तोड़ना चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग हा? बात कर रहे हैं हम लोग यहां ले अपनी जिंदगी तो हम लोग बात करें सिमरन डैस है सिमरन क्या है सिमरन डैस को थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें इसमें मैं जल्दबाजी नहीं करवाऊंगा है ना जल्दबाजी वैसे भी नहीं हो रही है सिमरन डैस है सिमरन जो है ना वो ग्रेट डांसर डैश लगा हुआ पता नहीं क्या है बट लेकिन शी क्विट उसने छोड़ दिया अच्छा ये बताओ क्विट कौन सा फॉर्म है जल्दी से कमेंट करके बताओ फर्स्ट फॉर्म है या सेकेंड फॉर्म है जल्दी कमॉन गाइज क्योंकि क्विट तीनों फॉर्म सेम होती है क्विट की तीनों फॉर्म सेम होती है क्विट क्विट मतलब छोड़ना आपको पता है ठीक है कौन सा फॉर्म है ये जल्दी से बताओ सर कौन सा फॉर्म है ये डी so आंसर हो जाएगा अच्छा डी आंसर हो जाएगा आंसर तो आपने ढूंढ लिया बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है लेकिन बेटा आपको बता दें यह सेकेंड फॉर्म है अगर ये फर्स्ट फॉर्म होता अरे खिसके वो लोगों थोड़ा सा सोच लो अगर ये फर्स्ट फॉर्म होता तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एसओस पड़ोसी लगाने आता है बेटा पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट में बात हो रही है तो इसका मतलब समझो बट लेकिन उसने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया प्रैक्टिस करना छोड़ दिया इसका मतलब क्या है उसने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया इस वजह से क्या है वो नहीं बन पाई इसका मतलब क्या है पास्ट कैपेबिलिटी का पॉसिबिलिटी बता रहे हम लोग जब किसी सेंटेंस में पास्ट कैपेबिलिटी का पॉसिबिलिटी बताते हैं तो कुड के साथ में हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है क्या बोलना जा रहा है कि सिमरन एक अच्छा परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्मर बन सकती थी वो ऐसा कर सकती थी है आप पिछली बार पास हो सकते थे थोड़ा सा और मेहनत कर लेते तो तो पास्ट कैपेबिलिटी का पॉसिबिलिटी बताते हैं तो यहां पर क्या करते हैं हम लोग यहां पर हम लोग कुड़ के साथ में हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ हाँ रश्मि डैस ड्राइव बट शी डेव अ कार हाँ बोला था रश्मि जो है ना वो ड्राइव क्या अब देख लेना लेकिन शी डज नॉट लेकिन उसके पास कार नहीं है तो इसका मतलब यहां पर रश्मि कार चला सकती है तो इसका मतलब यहां पर रश्मि के अंदर एबिलिटी है किस चीज की एबिलिटी है कार चलाने की रश्मि के अंदर एबिलिटी है कार चलाने की जब रश्मि के अंदर एबिलिटी कार चलाने की है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बताएंगे खैन लगा देंगे लेकिन उसके पास में क्या नहीं है उसके पास में कार नहीं है तो एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं वी वर वेरी वरीड हम बहुत चिंतित थे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वी वर वेरी वरीड हम बहुत चिंतित थे समवन डैश हैव स्टोलन आर लगेज अब बताओ चिंतित कब थे पास्ट में मॉडल वर्ब के साथ में है प्लस थर्ड फॉर्म कब आता है पास्ट में है वो प्लस थर्ड फॉर्म है ना कब लगाते हैं पास्ट में लेकिन विलो शेल के साथ में फ्यूचर में लगाते हैं परफेक्ट में

पॉसिबिलिटी हाँ, थी ऐसा कि भैया मेरा कोई सामान चोरी कर लेता तो पॉसिबिलिटी लेस पॉसिबिलिटी हो गया तो लेस पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज करते हैं माइट का यूज करते हैं चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ यू डेस्ट कॉपी यू कॉपी ड्यूरिंग द एग्जाम द इनविजिलेटर वॉन्ट द स्टूडेंट क्या हो जाएगा इसमें बताओ दिमाग लगाओ हा इनविजिलेटर मतलब हो गया जो इन्विजिलेट करता है मतलब कि जो देख रेख करता है वो इनविजिलेटर हो गया आपको एग्जाम में वन वर्ड में क्वेश्चन पूछ सकता है वो व्यक्ति जो परीक्षा हॉल में इनविजिलेट करता है उसको इनविजिलेटर कहते हैं उसे परीक्षक निरीक्षक कहते हैं हम लोग अब क्या है कि क्या एडवाइस दे रहा है इसने वार्निंग दिया है कि भैया आपको एग्जाम में कॉपी करनी चाहिए करनी नहीं चाहिए हाँ तो इसका मतलब ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एडवाइस है भैया स्ट्रॉन्ग कि भैया कोई भी व्यक्ति नकल नहीं करेगा नहीं तो ठके बाहर फेंक दिया जागोए ये तो बॉर्निंग होती है एग्जामिनेशन हॉल वगैरह में यही तो मिलती है, है, तो must plus not आ जाएगा इसमें। Next लिखा हुआ वॉर्डिंग गुड बुक्स कई सारी बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, विच बुक डैश आई बाय वो क्या मांग रहा है सजेशन मांग रहा है क्या मांग रहा है सजेशन मांग रहा है कि बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं मैं कौन सी किताब ले लू हाँ चलो बताओ मुझे कमेंट करके कमेंट करके बताओ सभी लोग आपको बताया हुआ है कि नॉर्मल सजेशन में कौन सी किताब ले लू मैं कहा जाऊं अब मैं क्या करूं हमारा एग्जाम आ गया सर पे हमारे दिमाग में ये आता है आप क्या करूं कुछ नहीं करूं सब चीजें सिस्टमैटिक टेंशन लोगे सब हॉच फॉच हो जाएगा सब मिक्स हो जाएगा जैसा चल रहा है बस अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो सिस्टमैटिकली है ना बात कर देर आर सो मैनी गुड बुक्स कई सारी अच्छी अच्छी किताबें मैं कौन सी वाली ले लू है तो विच बुक शेल आई बाय Huh? I, इसका शेल आई वाई उसका मतलब यहां पर आ जाएगा शेल ठीक है आज बेटा इट इज ऑलरेडी पास द डेड लाइन क्या बोला जा रहा है ये पहले ही लेट हो चुका है यू डैस नॉट डिले द पेपर वर्क हाँ अब बताओ यहां पे क्या बोले जा रहा है हाँ पहले ही लेट हो चुका है बोला जा रहा है कि जो डेडलाइन थी ना वो पहले ही गुजर गई भाई डेडलाइन जो है वो पहले ही क्या हो चुकी है गुजर चुकी है यू डेस नॉट डिले द पेपर वर्क आपको पेपर वर्क जो है ना वो डिले नहीं करना चाहिए तो यहां एडवाइज है हा? इसमें क्या है 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 कि जो डेडलाइन ना जैसे एग्जाम डेट जो फॉर एग्जाम्पल एग्जाम डेट अब तो फॉर्म भर ही नहीं सकते ऑनलाइन हो गया लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं किसी चीज की डेट थी तो डेट डेडलाइन जो थी ना वो पहले ही गुजर गई इसका मतलब क्या है अब आपको लेट नहीं करना चाहिए तो इसका आंसर क्या हो इसका आंसर शुड हो जाएगा यू शुड नॉट डिले द पेपर वर्क आपको पेपर वर्क डिले नहीं करना चाहिए तो एडवाइस निकल रहा है ना लिखो क्या लिखा हुआ है दिस इज अ हॉस्पिटल ये हॉस्पिटल है भैया हॉस्पिटल है आपका घर नहीं है यू डेस्ट टू स्मोक हियर यू डैस टू स्मोक हियर इसका आंसर बताओ चलो चलो गाइज कमॉन कमऑन जल्दी से हाँ थोड़ी देर और बची है बस और क्या ये रहे है ये नंबरदार है फिर हम लोग चलते हैं अपने काम पे है काम का मतलब पीक्यूआरएस भी करवा रहे हैं pqrs भी होगा बेटा बस आने वाला है आने वाला है pqrs टेंशन क्यों ले रहे हो भाई कुछ भी नहीं छोडूंगा टेंशन नहीं लो आप बिल्कुल भी है ना बहुत सारे टॉपिक तो आपके दो बार हो जाएंगे है तो आपको घबराया नहीं है भाई सब चीजें प्लानिंग से किया हुआ है है ना इसका क्या हो जाएगा और टू हो जाएगा इसका आंसर सी तो नहीं लगा रहा कोई ओ सी वाले किसके लोगों मस्ट के साथ में टू कब से आने लगा मस्ट के साथ में टू नहीं आता के साथ में टू आता है के साथ में टू आता है बेटा ऑट नॉट टू हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑट नॉट टू हो जाएगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वी आज हमने पूछा इफ द कंप्यूटर पास्ट में पूछा कंप्यूटर एक्सेस द इंटरनेट पास्ट कैपेबिलिटी कंप्यूटर की पास्ट कैपेबिलिटी के बारे में बात हो रही है क्या वो कंप्यूटर जो है ना वो इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है पास्ट कैपेबिलिटी के बारे में पास्ट एबिलिटी के बारे में बात हो रही है किसके कंप्यूटर का तो क्या आ जाएगा कोड आ जाएगा इसमें क्या आ जाएगा बेटा यहां पे यहां पे कोड आ जाएगा तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज वी डेस अचीव एनीथिंग विद आर विलिंगनेस अपनी इच्छा से अपनी चाहना से हम कुछ भी चीज को क्या कर सकते हैं माइट कर सकते हैं वॉन्ट कर सकते हैं वुड कर सकते हैं वी वुड वी विल नॉट अचीव हम नहीं अचीव करेंगे अरे भैया हम अपनी इच्छा से अपनी चाहना से कुछ भी अचीव कर सकते हैं बिकॉज वी आर कैपेबल टू अचीव एनी थिंग विद आर एबिलिटी विद आर विलिंगनेस तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कैपेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है कैपेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है आज जिस देर का जिस चीज का इंतजार था वो हमारे सामने आ चुकी है, है? हा जिस चीज का इंतजार था आ गया है आपके सामने शुरू हो जाओ पहला पी क्यू आर एस आपके सामने नाउ लेट्स डिस्कस दिस पी क्यू आर एस देखो मैंने आप लोगों को जिस तरह से पेयर बनाना बताया है ना उसी हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे पहले चारों चीजों को पढ़ लो ही वॉज अ वर्सेटाइल राइटर वर्सेटाइल का मतलब बहुमुखी प्रतिभा जिसके अंदर होती है बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें लिख लेता है हाँ उसको बोलते हैं हम लोग आंसर मिल गया क्या अरे भैया इनने तो निपटा दिया हाँ इनने तो भाई सब देख के ही निपटा दिया कि सर इसका आंसर ये हो जाएगा देखो इसकी शुरुआत कहां से होगी ही आ रहा है That are all. That भी किसी ये प्रोनाउन है ये भी प्रोनाउन है तो किसी ना किसी नाउन के लिए आ रहा होगा है तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कोई गड़बड़ हो गया दे टैगोर वॉस इसका मतलब शुरुआत सी से होगी सी से शुरुआत होगी हमने निपटा दिया हाँ तो यहां पे हम लोग बात करेंगे देखो दैट के बारे में बा... अब थोड़ा सा एक चीज और देखो यहां पर टैगोर से शुरुआत हो रही है अच्छी बात है ए और बी से शुरुआत नहीं हो रही है अब दोनों में ही सी के बाद में ए आ रहा है तो इसका मतलब यह पक्का है कि इसके बाद में ए आएगा अब यह डिसाइड करना है कि ए के बाद में डी आएगा या ए के बाद में बी आएगा अब देखो एक बात थोड़ा सा दिमाग लगाना सभी लोग यहां दैट रिलेटिव प्रोनाउन है अगर हमने ए के बाद में डी लगा दिया तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन अपने बाद में वर्व अपने पहले वाले जिसके साथ रिलेशन बताएगा ना उसके अकॉर्डिंग लेता है तो यह दैट और हु दो रिलेटिव प्रोनाउन एक साथ तो आ नहीं सकते दो रिलेटिव प्रोनाउन एक साथ तो आ नहीं सकते तो सी के बाद में ए सॉरी सी के बाद में A नहीं। ये नहीं, के बाद में बी यहां पे बनेगा नहीं हमारा एक मिनट भाई रुक जाओ इसको हटा दो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में कि सी के बाद में ए तो बन गया लेकिन ए के बाद में बी नहीं बनेगा तो ए के बाद में कौन बनेगा सीएडी बस आंसर हमारा हो गया ठीक है निपटा दिया इसका हिंदी मतलब भी समझ लो टैगोर वॉज अ पोइट टैगोर एक पोइट थे बिफोर एवरीथिंग एल्स किसी भी और चीज होने के बजाय वो एक सबसे पहले वो एक पोइट थे लेकिन बट लेकिन ही वॉज अ वर्साइड राइटर वो एक बहुत ही अच्छे राइटर थे वर्सेटाइल थे कुछ भी लिख सकते थे है ना हु जिन्होंने रोट हु

एक बच्चा बोला सर जल्दी करो देखो अगर क्वेश्चन के सिर्फ आंसर चाहिए चाहिए तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता बता के निकल अगर एक्सप्लेनेशन नहीं आपने बोला मैंने तो हमने लगा दिया आगे बढ़ गए नहीं चाहिए क्या? या करा सीधा सीधा जाओ भैया लो हो गया हमारा काम भाई देखो यहां पर अभी सोल्यूशन के बारे में बात नहीं है हा? चलो चलो आजा भाई यहां पे क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है ठीक है बाइंग थिंग्स दैट रिच मैन फिर लिखा हुआ बाइस थिंग्स बाइंग थिंग्स लिखा हुआ है गोज ऑन क्या बन रहा है बताओ जल्दी से कुछ बना है इसका आंसर सब बी बन रहा है ए बन रहा है बस मिल गया सारे आंसर मिल गए सारे मिल गए ए आंसर भी मिल रहा है बी भी मिल रहा है सी भी मिल रहा है डी भी मिल रहा है लो बता दो जल्दी से सर आंसर निकाल के बता के बता आगे निकल जाऊं लोगों बाकी चीजें पड़ोसी बताएगा हमारा सुनो बेटा सबसे पहले यह देखो यहां पर सब्जेक्ट क्या हो सकता है ये दैट हमारा कंजक्शन है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है क्या पी से शुरुआत हो सकती है नहीं हटा दो इसको हाँ ऐसे शुरुआत हो सकती है नहीं हटा दिया मतलब वर्ब से शुरुआत नहीं हो सकती अब गोज में सिंगुलर है ये सिंगुलर है, तो दिमाग लगाओ जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म आती है तो ऐसे पहले क्यू और पी नहीं आ सकता तो ऐसे पहले आर आएगा तो ये आर और एस का पेयर बन रहा है लो भैया हमने निपटा दिया लो भैया ओ हो मिनट गम खा जाओ अच्छा ए बी सी डी ऐसे नंबरिंग है इसकी अच्छा तभी बच्चे बी भी, भी चिल्ला रहे थे ओहो मैं तो यह सोच रहा था यह सी है अच्छा नंबरिंग इसमें ऐसी है है कोई बात नहीं है, तो बी वाले जो बच्चे हैं ना बी वाले बच्चे वो एकदम सही है बी वाले जो बच्चे हैं ना वो एकदम सही है कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट आ जाओ बेटा ए बी सी डी अच्छा ऐसे नंबरिंग चल रही है कोई बात नहीं है अब भी देखो नंबरिंग पे ध्यान रखना सभी लोग ठीक है ए बी सी डी ऐसी नंबरिंग है इसी पे ध्यान रखना चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया छा गए गुरु बी आंसर है बहुत बढ़िया समझ में आ गया ना कैसे हाउ हाउ हाँ। हाँ। चलो बात कर रहे हैं हम लोग यहां पे। बच्चा बोल रहे चलो ठीक है हाँ। <laughs> बी फॉर बॉम्बे सर बी फॉर बॉम्बे सर नींद आने लगी सर नींद आने लगी सर नींद आने लगी बस

तो इसका मतलब ये दोनों भाग गए लगा लो भाई क्या हो लिखा हुआ है संजय इज माई बेस्ट फ्रेंड संजय क्योंकि ये रीजन है क्या तो डी के बाद में सी आ सकता है क्या नहीं आ सकता क्योंकि संजय मेरा दोस्त है क्योंकि उसका पिछले साल लास्ट एक्सीडेंट हुआ था अरे एक्सीडेंट हो गया तो मेरा बेस्ट फ्रेंड हो गया तो इसका मतलब डी के बाद में सी नहीं होगा तो क्या है इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर डी ए बी सी हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा डी ए बी सी इसका आंसर सी फोर चेन्नई वाला हो जाएगा यहां बन जाएगा संजय मेरा दोस्त है उसके बाद ही गिफ्टेड वॉलीबॉल प्लेयर वो क्या है वो एक गिफ्टेड वॉलीबॉल प्लेयर है लेकिन 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 डेज ही डज नॉट प्ले आजकल वो नहीं खेलता है इंटरनेशनल मैचेस क्यों की क्यों नहीं खेलता है रीजन क्या है उसका पिछली साल एक्सीडेंट हो गया बस बन गया हमारा काम खत्म आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ लो भैया ये आया ना क्वेश्चन मजेदार चिल्ला रहे थे इतनी देर से सब बताओ 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 लो बता दिया अब बताओ इसका आंसर हाँ यहां लिखा हुआ आई वॉज अप बाय माई सिस्टर हु वॉज मच ओल्डर देन आई ओल्डर के साथ आई लगा दिया बताओ आई नेवर न्यू माई फादर और मदर

डी 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 आंसर होगा 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 सी हो 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 सी हो देख लेते हैं बेटा देखो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे हम लोग आई हैव नेवर सीन यहाँ बी से स्टार्टिंग किससे हो रही है दे डाइट दे किसके लिए आ रहा है फादर के लिए आ रहा है तो बी के बाद में सी आएगा बी के बाद में कौन आएगा बेटा सी आएगा बी के बाद में सी सिर्फ दो में दिया गया है इसको हटा दो हम लोग ठीक है आई हैव नेवर क्योंकि वो

पूरे सेंटेंस को समझना है जितना समझ में आए इतना मुझे गारंटी है कि पूरी इंग्लिश तो आपकी डब्बा है नहीं है कि बिल्कुल समझ में नहीं आएगा थोड़ा बहुत समझ लोगे ना उससे आपका काम हो जाएगा इस बात की भी मैं आपको गारंटी दे दू चलो आ जाओ कितना बड़ा भी आ जाए कितना छोटा भी आ जाए आपका काम हो जाएगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया है <laughs> बच्चा बोला सर ये तो बता दो कितने क्वेश्चन हो गए अरे कितने क्वेश्चन से क्या लेना है हाँ चलो आगे बढ़ते हैं वो भी बता दूंगा बेटा बात कर रहे हैं ऑन द कवर पेज एंड पब्लिसिटी पोस्टर हु वुड लुक गुड दे प्रिफर सम होगा इसमें ऑन द कवर पेज से शुरू हो सकता है हा हो सकता है कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमारा क्या कहते हैं एडवर ऑफ प्लेस या एडवर ऑफ टाइम से शुरू हो जाते हैं तो हमें पूरा देखना पड़ेगा है ना पूरा देखना पड़ेगा बताओ इसका आंसर डी 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 सब लोग डी 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 चिल्लाने लगे है? और ये एक भाई साहब तो पता नहीं क्या कर रहे हैं पंचायत में लगे हुए हैं सब लोग बताओ सर डी बहुत बढ़िया शुरुआत देखो आप लोग पहचान लो हु किसी ना किसी पर्सन के लिए आ रहा होगा आर से शुरुआत नहीं हो सकती ऑन द कवर पेज इससे हो सकती है तो हम लोग देख लेते हैं बना लेते हैं एस से शुरुआत हो रही है के बाद में आर आ गया ऑन द कवर पेज हु वुड लुक गुड तो यहां पे कोई सेंस नहीं बना कवर पेज पर पे, कवर पेज पर जो अच्छा लगेगा कोई सेंस ही नहीं बन रहा है तो इसलिए इसको हम लोग हटा देंगे ऐसे बन रहा है हमारा तो देख लेंगे दे प्रेफर्ड समवन उन्होंने वो ऐसे इंसान को प्रेफर करते हैं हाँ, ऐसे इंसान को कैसे इंसान को जो अच्छा लगेगा कहां पर अच्छा लगेगा कहां पर अच्छा लगेगा ऑन द कवर पेज कवर हाँ, पेज पर तो एस आर पी एस आर पी देख लो भैया एस आर पी एक में दिया है आंसर डी हो जाएगा एस आर पी आंसर डी हो जाएगा बस बात खत्म हाँ, लिखा हुआ है स्टोबर्नली मतलब एकदम ढीट बन के ना उसने मना कर दिया स्टोबर्न का मतलब या ढीट होता है कि नहीं ये होगा तो होगा ठीक है स्टोबर्नली रिसिप्ड रिफ्यूज द थीफ ऑलमोस्ट ज हैंड्स अपर ही वुड शूट शूट का मतलब क्या है गोली मार देना है वेन द पुलिसमैन टोल्ड हिम टू कीप बताओ क्या होगा क्या होगा बताओ यहां पर कीप अब कीप के बाद वर्ब दिया वर्ब के बाद में क्या आएगा अब यह यहां पर रिलेट कर लो क्या इसके बाद में यहां पर आ सकता है कीप द थीप ऑलमोस्ट नहीं आ सकता कीप द स्टोवली आ सकता है कीप के बाद में वर्ब का वर्ग फॉर्म आता है थर्ड फॉर्म नहीं आता तो इसका मतलब हम लोग डी के बाद में बी और ए नहीं आएगा तो डी के बाद में बी और ए नहीं आएगा तो कौन कौन हट जाएगा ये हट जाएगा और क्या हट सकता है बताओ बताओ क्या आंसर लगा रहे हो सभी लोग डी आंसर लगा रहे हो बिल्कुल सही लगा रहे हो क्यों क्योंकि तो इसका आंसर बी डी हो जाएगा है बहुत बढ़िया चलो देख लेते हैं हम लोग हाँ देखो ये हो जाएगा कैसे हो जाएगा समझो इसके सेंस से हो जाएगा हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे जब पुलिस ने उससे हाथ ऊपर खड़े होने के लिए कहा हा? तो बोला जा रहा है जब पुलिस को पुलिस ने तो यहां पे डी और सी का पेयर बन रहा है तो डी और सी इसमें है क्या नहीं है इसमें है नहीं है लो भैया एक ही मिल गया है तो जब पुलिस वाले ने उसको अपने हाथ ऊपर रखने के लिए कहा तो उसने डायरेक्ट मना कर दिया उसने मना कर दिया तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा ये आपका आगे का हिस्सा तो यहां बी ए डी सी बन जाएगा पेयर मिल गया हमें डी और सी का ये कुछ छोटा सा है देख लेना बेटा बहुत ही अच्छा है लेकिन है मेरे कोई समझ में नहीं आ रहा।, रहा है इसमें सी कहां है देखो ए बी सी डी ये रहा हाँ अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बड़ा है लेकिन कंफ्यूज नहीं होना पढ़ने में थोड़ा सा लगेगा अरे सर इतना बड़ा कैसे हम कैसे सॉल्व करें सर आप कैसे करें ये कैसे करें ठिकाना ये वो है चलो बात करते हैं सर एग्जाम में फलाटनेप ले सकते हैं ना है? इंग्लिश को दस मिनट में फोड़ के बेटा इंग्लिश ना आपको फोड़ देगी अगर दस मिनट में ढंग से नहीं फोड़ पाए तो कैटनेप के चक्कर में डॉगनेप मिलेगी फिर बाद में है दस मिनट में इंग्लिश को फोड़ के इंग्लिश को हलवा समझ रखा है? है फोड़ सकते हो चलो देखो स थोड़ा सा दिमाग लगाओ दिस लगा हुआ है तो दिस एडजेक्टिव है तो किसी ना किसी जगह पे आएगा दीज दीज डेज आजकल पीपल आर मोर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ बहुत सारे लोग यहां बी से शुरू हो सकता है बी से शुरू हो सकता है तो डी हट जाएगा इट प्रोनाउन है इट इज एडवाइजेबल बट वन शुड कंसल्ट अ ट्रेनर डॉक्टर बिफोर तो इट इज एडवाइजेबल क्या चीज एडवाइजेबल है कुछ पता चल रहा है क्या नहीं मालूम चल रहा है तो इससे शुरुआत नहीं होगा हाँ? क्लियर है ना इट इज एडवाइजेबल या एडवाइजेबल है लेकिन प्रत्येक को क्या करना चाहिए कोई चीज लिखा हुआ है सप्लीमेंट लेने से पहले अपने डॉक्टर और ट्रेनर को क्या कर लेना चाहिए उनको एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए तो डी से यहां पे शुरुआत नहीं होगा अब देखते हैं डी से शुरुआत हो सकता है या नहीं आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा किसी का बना हाँ बताइए चलो चलो जल्दी से आ जाओ सी बन गया सी बन गया सी बन गया देखो दो ऑप्शन तो हमने बैसी निपटा दिए थे वैसे देखा जाए तो सब बी और सी बी और सी दो ऑप्शन मिल रहे हैं एक ये मिल रहा है एक ये मिल रहा है ये दो तो हमने बैसी निपटा दिए तो देखो अब समझेंगे हम लोग दीज डेज पीपल आर मोर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ देयर हेल्थ अपनी हेल्थ को लेके ना बहुत ज्यादा अवेयर है दिस अवेयरनेस हैज मोटिवेटेड इवन एवरीवन टू गो फॉर फिजिकल एक्सरसाइज और इस अवेयरनेस ने किस अवेयरनेस ने किस अवेयरनेस की बात हो रही है इस अवेयरनेस की बात हो रही है तो बी के बाद में क्या हो जाएगा ए इस वाली बात भी बात हो रही है तो बी के बाद में ए का पेयर मिल गया दोनों में आ रहे हैं कोई बात नहीं बन रही है अब देखेंगे यहां पे इन एडिशन टू इसके साथ ही साथ फिजिकल एक्सरसाइजस फिजिकल एक्सरसाइजस सम प्रेफर टेकिंग हेल्थ सप्लीमेंट अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि भैया इसके साथ साथ बोला जा रहा है फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ लोग जो है वो क्या लेते हैं हेल्थ हेल्थ सप्लीमेंट सप्लीमेंट भी भी लेते हैं. भी ले लेते हैं हैं ले इट इज एडवाइजेबल और ये ये एडवाइजेबल एडवाइजेबल है बेटा? है है क्या बेटा कि इसको लेने से पहले उन्हें एक बार डॉक्टर को या ट्रेनर को कंसल्ट कर लेना चाहिए तो सी और डी का पेयर बन रहा है सी और डी का पेयर एक ही में आ रहा है और किसी में आ नहीं रहा है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा बेटा बी हो जाएगा बी बी ए सी डी बन जाएगा हा? बहुत बढ़िया इट बाद में आएगा क्यों बोला ना इट इज एडवाइजेबल मतलब सलाह दी जाती है क्या सलाह दी जाती है कि भाई जो सप्लीमेंट लिए जा रहे हैं हा? तो सप्लीमेंट लिए जा रहे हैं ना तो ये सप्लीमेंट समझो ना ये हेल्थ सप्लीमेंट जो लिए जा रहे हैं तो पहले बात की गई है ना उसी के बाद में तो उस बाद में सलाह देंगे उसी के बाद में तो बाद बाद में सलाह देंगे हम लोग तो ये चीज आपको ध्यान रखना है ठीक है तो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं साथ ही साथ वो लोग क्या है फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ वो सप्लीमेंट भी ले लेते हैं अब सप्लीमेंट लेते हैं तो एडवाइजेबल है कि आपको डॉक्टर को या फिर जो ट्रेनर है उसे एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ नो कल्चर सोसाइटी इज पॉसिबल विदाउट बुक्स नो फ्रेश आइडियाज आर पॉसिबल एंड विदाउट एनी फ्रेश आइडिया क्या हो जाएगा बहुत अच्छा है ये तो कैसी बातें कर रहे हो इतना अच्छा मैंने पहले सोचा ही नहीं था बन गया कि नहीं बना मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए आप लोगों से है अरे किस किसको क्या लगता है उसको छोड़ो आपको क्या लगता है उसके पीछे जाओ किस किस को लगता है इस बार एग्जाम निकलेगा कि नहीं लगा निकलेगा हा देखो चलो बात करते हैं हम लोग इस बार में सबसे पहली बात तो ये यह देखो यहां पर लिखा हुआ विदाउट फ्रेश आइडिया नो कल्चर सोसाइटी इज पॉसिबल फिर एंड लगाएंगे तो हमारे साथ में एस पी आर होना चाहिए एस पी आर ऑप्शन में दिया है क्या ऐसे शुरुआत ही नहीं हो रही है जब ऐसे शुरुआत नहीं हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग कुछ नहीं करेंगे हम लोग एक काम करेंगे सिंपल सा वो ये काम करेंगे कि हम लोग शुरुआत क्यू से कर देते हैं क्यू से क्योंकि तो एंड तो है ना तो एंड एक जैसी चीजों को जोड़ेगा तो विदाउट नो कल्चर विदाउट फ्रेश आइडिया विदाउट बुक्स इन दो चीजों को जोड़ेगा एंड तो क्यू और एस को एंड जोड़ेगा तो क्यू और एस के बीच में एंड आएगा हा क्यू और एस के बीच में एंड आएगा, आएगा सॉरी एंड नहीं आर तो क्यू आर एस ये बन जाएगा हमारा क्या बन जाएगा ये बन जाएगा ए बन जाएगा तो बन जाएगा कि विदाउट बुक्स नो फ्रेश आइडियाज आर पॉसिबल बिना किताबों के फ्रेश आइडिया पॉसिबल नहीं है एंड और विदाउट फ्रेश आइडियाज बिना फ्रेश आइडिया के नो कल्चर्ड सोसाइटी इज पॉसिबल कल्चर्ड सोसाइटी जो है वो भी पॉसिबल नहीं है क्लियर है कि नहीं है ठीक है समझ में आ गया तो आज की क्लास को यही विराम देते हैं इसके पैसेज वगैरह जो है ना वो हम लोग कल की पूरा होती में कर लेंगे हम लोगों ने करीबन कितने क्वेश्चन कर लिए करीबन हम लोग अस्सी से एट्टी फाइव क्वेश्चन कर चुके हैं ये कौन से नंबर का क्वेश्चन था कहां चला गया एटी नाइन नंबर का स्लाइड है इसका मतलब यहां पे जो है ना आपका ओ भाई अब दो जो भी है है ना तो हम लोग बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट डे तो आज हम लोगों ने करीबन 85 प्लस वर्ड्स कर लिए जिसमें हम लोगों ने एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस भी किए टेंस से रिलेटेड वॉइस से रिलेटेड वॉइस नहीं है वो टेंस ही, है, टेंस में ही रखो उसके बाद प्रपोजिशन मॉडल वर्ब भी हम लोगों ने किया कंजक्शन के क्वेश्चंस भी आ गए मॉडल वर्ब से क्वेश्चन आ गए कंडीशनल और भी चीजें इसमें ऐड होगी और कल जो रहेगा सेशन ध्यान से सुनिएगा कल का सेशन मैंने आप लोगों को बता दिया है हा? कल का सेशन मैंने आप लोगों को बता दिया है यहां पे आ जाओ ये पूर्ण आयुक्ति कल के लिए है ये बच्चा क्या बोल रहा है एक मिनट कल मैं वॉइस लाऊंगा बेटा लाऊंगा कल के टॉपिक मैंने अभी अभी बताया बेटा ये कौन बोल रहा है बैंक का लेवल करा रहे हैं हाँ, बैंक का लेवल करा रहे हैं उठा के फेंक दूंगा मैं बैंक का लेवल बेटा बैंक का लेवल का बी ना बनेगा आपसे बैंक का लेवल करा रहे हैं हाँ, अपने एग्जाम में बैठ के देख लेना और प्रीवियस ईयर देख लेना पीक्यूआरएस कैसे आए हैं ये कल का है बेटा पूरा सेकेंड के टॉपिक है इसमें पीक्यूआरएस तो जो बचे हैं वो ही मिलेंगे बाकी आपको अनसीन पैसेज मिलेंगे बाकी क्या मिलेंगे अनसीन पैसेज मिलेंगे बेटा कल कल कम से कम दो तीन तो अनसीन पैसेज में कराऊंगा ही बाकी ये वॉइस है, है एडवर्ब एडवर्ब में थोड़ा छोटा सा टॉपिक मिलेगा छोटा सा टॉपिक का मतलब यह है कि आपके जो एडवर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन टू और टू वाले रहते हैं उनको मैं लाने की कोशिश करूंगा आर्टिकल नाउन और प्रोनाउन मिलेगा आर्टिकल और नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो मिलेंगे ठीक है महायज्ञ दो आपका चौदह तारीख को हो होने वाला है फोर्टीन को लाइव सात बजे शुरू हो जाएगा सुबह सुबह क्लास होगी फिजिक्स की देन मैथ्स इंग्लिश करंट अफेयर कंप्यूटर जीके जीएस रीजिंग मैथ्स जैसा अभी हुआ था वैसे ही होगा सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं कमेंट करके और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताने जिस तरह से हम लोग चीजों को प्रैक्टिस और रिवाइज कर रहे हैं ना घर बैठ के वैसे ही प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहो इट कुछ नहीं करना आपको उसके अलावा बस प्रैक्टिस करो और पैसेज निकलना नहीं चाहिए हाथ से कल बताऊंगा और अच्छे तरीके पैसेज दो तीन नहीं ज्यादा लेके आऊंगा ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों को पैसेज चलिए थैंक यू वेरी मच टेक केयर जय हिंद जय भारत नमस्कार